हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का वापस से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। मेरा नाम साहिल और आपके साथ हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपका सहयोग कर सकूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिपरेशन में। और यस, आज चल रहा है यूट्यूब फेस्टिवल और आपके साथ है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और आपके लेकर आ रहे हैं जबरदस्त सेशंस। और इसी सेशन की कड़ी में आपके साथ मैं भी हूं। मैंने भी आपके लिए डिजाइन किया है एक जबरदस्त सेशन, जहां पे हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके के लिए, है ना। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड स्टैटिक जीके का डिस्कशन करना है आज हमें अपने सेशन में। लेकिन शुरू करते हैं सेशन को, और सेशन की शुरुआत में आज बोलो ट्रेडिशन चीजें हैं जो आपको बतानी है, और फिर उसके बाद चलना है आगे और देखना है अपने आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस को। इनफैक्ट एक लंबा सेशन है, आशा करता हूं कि आपको आनंद आएगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी एक जबरदस्त तरीके से हो पाएगी। अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर लीजिएगा, फिर चल के देखेंगे आज के सेशन में ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं भाई क्या कहते हैं आपके लिए। अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो आप आज ही डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, क्योंकि यही वो जरिया है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। अदरवाइज कोई और जरिया नहीं जो आपको पहुंचा सके अनअकैडमी के अलावे आपके सक्सेस के पाथ पर, सक्सेस तक, है ना। तो बस आज ही डाउनलोड करिए प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में उपलब्ध है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। और साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन यूज एप्पल स्टोर यूज कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन होगा ऐप स्टोर, जहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, क्योंकि यही जरिया है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा भाई। क्योंकि अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन क्या क्या चीज देता है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है भैया। जानेंगे तब तो डाउनलोड करेंगे या फिर तब तो उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अनअकैडमी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है डेली लाइव क्लासेस, आपको प्रोवाइड करा जाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, आपको प्रोवाइड करा जाता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस दी जाती है। केवल शर्त है कि आपको लेना होगा एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन। रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। ऑब्वियसली आप अपने एजुकेटर के साथ वन टू वन डिस्कशन कर सकते हो, अपने क्वेरीज को, डाउट्स को शेयर कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन पा सकते हो, और साथ ही साथ आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में जुड़ करके हमारे साथ आप बातें कर सकते हो वहां पर, कि भाई आपने जो चीजें तैयारी करी है, जो परफॉर्मेंस करा है आपने, जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उसको एनालाइज कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि आपकी तैयारी अप टू द मार्क है या नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, तो भैया ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आपके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, और साथ ही साथ जो रिसेंट एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये जो आज का सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ सेशन में वो जल्द से एक बार सेशन को शेयर कर दें, अगर पसंद आ रहा है तो भाई ऑब्वियसली, ताकि बाकी के लोग भी जुड़ पाए हमारे साथ और उनको भी इस सेशन का लाभ मिल पाए। करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके, बिल्कुल वही स्टैटिक जीके करेंगे जो करंट अफेयर रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और यहां से क्वेश्चन आएगा ये मुझसे लिखकर गारंटी ले लो, है ना। और साथ ही साथ केवल एक सब्सक्रिप्शन मिलाएगा आपको इन सारी चीजों का को प्राप्त करने का मौका। ऑब्वियसली ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको किसी भी डिवाइस पर अपने कंफर्ट के अनुसार वॉच करने का, यानी कि देखने का लाइव रिकॉर्डेड सेशंस को, और साथ ही साथ आपको मौका देता है अपने कंफर्ट के अनुसार किसी भी डिवाइस पर इसको देखने का, और कोई भी लाइव रिकॉर्डेड सेशन देखने का आपके अपने सेक्टर का, है ना। बहुत ही कम चार्जेस में लग रहे हैं यहाँ पे, मात्र 1,000 रुपए पूरे एक महीने तक के लिए, मात्र 2,700 रुपए में पूरे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, मात्र 4,320 रुपए पूरे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, और मात्र 5,400 रुपए पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रही है अनअकैडमी। अनअकैडमी कटिबद्ध है कि भाई आपको जो चीजें दी जाए वो बिल्कुल 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 आपके लिए इस तरीके से मुहैया कराई जाए कि कहीं भी आपको इसे नुकसान ना हो, और आप कम से कम खर्च में एज ए स्टूडेंट इसे ग्रास्प कर सके, इसे पा सके, प्राप्त कर सके। और आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही कम, एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है अनअकैडमी के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि 24 महीने सब्सक्रिप्शन लें तो मात्र आपको 6,480 रुपए चुकाने हैं, एंड यस These two are the best options for you. क्योंकि यहाँ पे EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, आप चाहें तो EMI भी ऑफर, EMI का ऑफर जो है उसको भी आप
जो है अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे रेफरल कोड यूज करें @SP Sahil, जब भी आप कोई देख रहे हो स्पेशल क्लास या अगर आप देख रहे हो ले रहे हो कोई भी सब्सक्रिप्शन, तो मेरा रेफरल कोड SP Sahil यूज करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यही वो जरिया है जो आपको दिलाता है 10% का डिस्काउंट और हमें दिलाता है आपका ढेर सारा प्यार। यस, द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स अस, एक ही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आने के लिए और बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज व्हाट योर्स लव। ऑब्वियसली इस प्यार को प्राप्त करना, भाई हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई आप हमारे हमें कितना प्यार कर रहे हैं या अपना कितना योगदान दे रहे हैं हमें सुनने में, तो ऑब्वियसली इसका एक ही जरिया है हमारा रेफरल कोड यूज करें, दैट इज व्हाट SP Sahil। क्या है भाई? SP Sahil, यस इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड। ठीक है, तो आशा है आप सभी लोग इसका उपयोग भरपूर उपयोग करेंगे और हमारा भला करेंगे, अपना ही भला करेंगे। ठीक है, चलिए इस बात को गांठ बांध के आगे बढ़ते हैं। एडवांस आप सभी लोगों का इसके लिए धन्यवाद। एंड यस, कम ऑन, लेट अस सी द टुडे सेशन, दैट इज व्हाट कि करंट अफेयर्स और रेडोज ऑब्वियसली, और यहां पे लेकिन एक चीज है भाई, क्या है? टेलीग्राम का एप्लीकेशन, इसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो मेरे जुड़ सकते हैं यहां पे, क्योंकि आपको यहां पे सारे के सारे वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपको जो है आपको सजेस्ट करने का या फिर आपको हमारे साथ डिस्कशन करने का मौका भी मिलता है टेलीग्राम के एप्लीकेशन में। तो यस, यू कुड ज्वाइन अस राइट नाउ ऑन टेलीग्राम एप्लीकेशन अंडर द चैनल नेम अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप यहां भी जुड़ेंगे हमारे साथ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यस यू कुड चेक इट देयर। ठीक है, क्या भाई आज का सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर, आज का सेशन कहां रहने वाला है? क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर ऑब्वियसली। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो जबरदस्त सेशन रहने वाला है। जो जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक बार कमेंट सेशन बता दीजिए, यस हु ऑल आर देयर विद मी राइट नाउ, जल्दी से बताइए मुझे इस सेशन में, ताकि शुरू कर सके आज का सेशन अपना, ताकि हमें और भी ज्यादा चीजें देखने को मिले और हम जो है बहुत सारी बातें कर सके, बहुत सारे क्वेश्चन देख सके। ऑब्वियसली आज हमारे पास 500 से ज्यादा क्वेश्चन हैं और आशा करते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। चलिए शुरू करें आज का ये सेशन, दैट इज अपॉन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑन करंट अफेयर्स। यस प्लीज लेट मी नो हु ऑल आर देयर राइट नाउ विद मी इन दिस सेशन, यस प्लीज लेट मी नो Who all are there with me right now in the session? चलिए सबसे पहले सेशन को शुरू करें, सबसे पहले भाई आज कोड ऑफ द डे देख लेते हैं। भाई बहुत ही फिल्मी कोड ऑफ द डे मिला है आज हमें, क्या लिखा है भाई, और ये बिल्कुल अपने जीवन में भी सही है। क्या कहता है, क्या कहा गया है यहां पर? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या है भाई? बिल्कुल सही बात है। मांझी द माउंटेन मैन एक सीरीज, एक जो है वेब सीरीज आई थी भाई, इसमें क्या है भाई, ये छोटी सी फिल्म थी, है ना? तो ये फिल्म जो है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की फिल्म है, के ऊपर बेस्ड एक फिल्म है, जो कि पूरे पहाड़ को अकेले काट करके जिसने पूरा का पूरा एक रास्ता बना दिया था। ऑब्वियसली उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं, और उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसने एक पहाड़ को एक अकेला आदमी पूरा का पूरा काट जाता है। तो क्या आप में दम नहीं है कि आप सक्सेस प्राप्त कर सके? आप थोड़ा सा और तेज मेहनत करें और ज्यादा मेहनत करें ताकि आपको सक्सेस मिल सके। यस, हमारा और आपका जो एक ही निर्णय है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कम ऑन, लेट्स क्रैक इट, है ना? इस बार तोड़ दिखाना है भाई। चलते हैं आगे और देखते हैं आज का ये सेशन, बाय दैट इज बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके। क्या है? करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके जो है ना उसके ऊपर बेस्ड है हमारा आज का सेशन। और यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है अब इसी वक्त आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट हियर, ये रहा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्या कह रहे हैं भाई कि कौन सा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर है, वो किस कंट्री में लोकेटेड है? इसका जवाब बताएंगे आप, जल्दी से एक बार बताइए मुझे जवाब, अन्यथा मैं जल्दी से कुछ सेकेंड्स में आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगा। जो जो लोग मेरे साथ हैं इस सेशन में वह जल्दी से बता दें, एक बार जवाब बताएं जल्दी से इन क्वेश्चंस का, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और देख सके लगातार एक के बाद एक क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। यस, इस सवाल का जवाब देखना है हमें, जल्दी से बताइएगा सवाल का, जैसे जवाब अपने स्क्रीन पर आ रहा है भाई।
जवाब। चलो देख लेते हैं सही जवाब जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, फ्रांस। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं भाई, द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, इसने सेलिब्रेट किया है द स्टार्ट ऑफ असेंबली ऑफ द ITER टोकामाक एट सेंट पॉल लेज ड्यूरांस फ्रांस। द सेलिब्रेशन वॉज होस्टेड वर्चुअली बाय द फ्रेंच रेसिडेंट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये सेलिब्रेशन किसने स्टार्ट किया था, किसने होस्ट किया था, इमैनुअल मैक्रोन ने इसे हेल्ड किया, इसे होस्ट किया था। एंड ऑल ITER मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इधर इन पर्सन और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू रिमोट मोड। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सेलिब्रेशन एंड कंसिडर्ड द ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ साइंटिस्ट टू प्रोजेक्ट एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द एज ओल्ड इंडियन बिलीफ वसुधैव कुटुंबकम। ऑब्वियसली इंडिया का जो एक बिलीफ है ना, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार हमारा परिवार है, बस द वर्ल्ड इज वन फैमिली वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया गया है, और बिल्कुल इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसी बात को ध्यान में रखकर, इसी बात को मानकर। ITER क्रायोसेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। ऑब्वियसली ITER का क्रायोसेट इंजन जो है वो किसने बनाया हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, और भाई इंडिया मैन्युफैक्चर किसने किया है, लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है उसने इसे मैन्युफैक्चर किया है। क्रायोस्टैट एक चैम्बर है, इज अ चैम्बर दैट कैन मेंटेन द वेरी लो टेम्परेचर्स। द ITER इज अ कोलैबोरेशन ऑफ 35 नेशंस लॉन्च्ड इन 1985। द ITER मेंबर्स इंक्लूड चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आशा है इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, और चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI लोकेटेड। कि भाई हेडक्वार्टर जो है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का कहां पर लोकेटेड है। द ऑप्शंस आर लंदन, न्यू दिल्ली, कैनबेरा, ढाका या गैबोन। क्या है इसका वाला सही जवाब, जल्दी से बताइएगा मुझे इस कमेंट सेक्शन में, इस सेशन के जल्दी से बताइए एक बार, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। यस, अदरवाइज मैं कपल ऑफ सेकंड्स में इस सवाल का जवाब जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन आशा करता हूं कि आपकी तरफ से भी इस सवाल का जवाब मिलेगा मुझे। यस, जो लोग हैं हमारे साथ इस सवाल का जवाब दें, अगर चाहें तो जल्दी से जवाब दें बिल्कुल, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिले। यस, इंटरेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स इजिली, और ऑब्वियसली देन मैं भी बताऊंगा आपके सवाल का सही जवाब बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आशा करता हूं कि आप में से भी इस सवाल का जवाब देने वाले लोग होंगे जरूर मेरे साथ ऑब्वियसली। चलिए कोई बात नहीं, जवाब देख लेते हैं सवाल का जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, नई दिल्ली है इस सवाल का सही जवाब। द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI एंड वॉक फ्री रिलीज अ रिपोर्ट ऑन स्लेवरी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस 30th July। एज पर द रिपोर्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ people living in conditions of modern slavery in the world. The CHRI is an independent, non-partisan, international, non-governmental organization headquartered in New Delhi, India. Okay? Come on, let us proceed forward to the next question. That is here on your screen. Here is the next question. That is, which country will take over the presidency of BRICS in 2021? Kis country ko milne wala presidency BRICS ke upar 2021 mein? BRICS. ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से मुझे एक बार, अगर आपको पता हो तो जल्दी बताइएगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म यहां पर कमेंट सेक्शन में। यस, द ऑप्शंस आर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें से किस कंट्री को मिलने वाली है 2021 प्रेसिडेंसी। यस भाई साहब बता रहे हैं जल्दी से बताइए एक बार, अदरवाइज चलिए आंसर देख लेते हैं इस सवाल का जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने। दैट इज व्हाट, इंडिया। इंडिया अज्यूम करने वाला है प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021, और फिलहाल रसिया ने होल्ड कर रखा प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2020, यानी 2020 में इस ब्रिक्स नेशंस जो ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप का जो अध्यक्ष है वो कौन है, रसिया है। और अगले साल यानी 2021 में कौन इसका चीफ होगा, तो कौन इसे जो है प्रेसिडेंसी, इसमें किसकी प्रेसिडेंसी रहेगी यहां पे, तो भाई दैट विल बी इंडिया, वो इंडिया रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हु इज द करेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के करेंट सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, अजीत डोवाल, राजीव कुमार, अजय त्यागी या VK पॉल। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है, एंड इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और यस पूरे वर्ल्ड के थिंक टैंक्स में से एक है नीति आयोग, जिसे कि प्लानिंग कमीशन के
को जो है वाइंड अप करने के बाद एस्टेब्लिश करा गया था। जब मोदी जी 2014 में आए थे बंद करके प्रधानमंत्री, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है रोक कर प्लानिंग कमीशन की जगह में एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसका नाम है नीति आयोग। क्या आप में से कोई व्यक्ति मुझे नीति आयोग में से नीति का फुल फॉर्म बता सकता है? बताइए मुझे जल्दी से एक बार, अगर आपको मालूम हो तो। ऑप्शन आपके सामने, अमिताभ कांत, अजीत डोभाल, राजीव कुमार, अजय त्यागी, अभी के पॉल। सही जवाब क्या है बताना है आपको? यस, ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब बताते हैं आपको, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर। यस मिस्टर अमिताभ कांत इज करेंटली द सीईओ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। क्या कह रहे हैं? मिस्टर अमिताभ कांत इज करेंटली द सीईओ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ओके, एंड यस, कम ऑन, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर ऑन योर स्क्रीन। ये रहा अगला सवाल कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। द ऑप्शन आर एस जयशंकर, वरुण आचार्य, बीपी कानूनगो, उर्जित पटेल या नॉन ऑफ द एवव। इनमें सही जवाब कौन सा ये बताना है आपको कि भाई जो किताब लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसके जो ऑथर है वो कौन है? क्या वो एस जयशंकर है, वरुण आचार्य है, बीपी कानूनगो है, उर्जित पटेल है या नॉन ऑफ द एवव? भाई इनमें से कोई भी नहीं है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब। तो भाई चलिए देख लेते सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, उर्जित पटेल इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। द बुक विल बी पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। ठीक है, कौन पब्लिश करेगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिश करेगी इसे, और भाई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जो है उन्होंने किताब लिखी है। इसका किताब का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले एक बार, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। गैलापागोस आइलैंड द वर्ल्ड फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? गैलापागोस आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसे कहां पर, ये कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है इस सवाल में। तो ऑप्शन है कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील या बोलीविया। क्या है इस सवाल का सही जवाब बताना है आपको? कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील या बोलीविया, इनमें से कौन सा सही जवाब है? भाई कौन से कंट्री में गैलापागोस आइलैंड लोकेटेड है, जो कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, है ना? तो जवाब देख लेते हैं सवाल का, ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, इक्वाडोर इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली इक्वाडोर हैज एक्सप्रेस्ड एन ऑफिशियल डिस्कम्फर्ट ओवर द साइटिंग ऑफ फ्लोटिला of 260 mostly Chinese fishing vessels near the Galapagos archipelago, a part of Ecuador. ये Ecuador जो है उस देश में स्थित है, और भाई जो Galapagos island है वो लगभग 60,000 square kilometer फैला हुआ है, और a part of Ecuador भाई, और ये 60,000 square kilometer फैला हुआ Galapagos island जो है वो Ecuador नामक देश का हिस्सा है। इक्वाडोर मेड अ पार्ट ऑफ द गैलापागोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1935, 1935 में यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी इक्वाडोर की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सेंचुरी बिकेम द गैलापागोस नेशनल पार्क 1959, 1959 में इसे गैलापागोस नेशनल पार्क का जिम्मा दर्जा दे दिया गया है। इन 1978 द आईलैंड बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये विश्व का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने वाला जो है क्षेत्र है, और ये 1978 में पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, जो कि है आपकी स्क्रीन पर, कि अगत्ति आइलैंड कहां लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है? अगत्ति आइलैंड किस कंट्री में लोकेटेड है पूछा गया आपसे। दो ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया या ब्राजील। ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया या ब्राजील। तो भैया यस जवाब का सही जवाब पूछना है आपसे, बताना है आपको, तो भाई ऑब्वियसली जल्दी ही बताएंगे आपको इस सवाल का सही जवाब। अगर आप चाहें तो इस सवाल का सही जवाब अपनी ओर से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लें इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज वॉट इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिसेंटली साउदर्न बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, साउदर्न बेंच जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की, उसने ग्रांट किया है एन इंटरिम स्टे ऑन फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन अगत्ति आइलैंड इन लक्षद्वीप। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 410 किलोमीटर 248 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोची केरला, एंड इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ कवरत्ती आइलैंड। कवरत्ती आइलैंड इज द कैपिटल ऑफ द
यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। दैट इज व्हाट, व्हिच मिनिस्ट्री वाज रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली। किस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में जो है घोषित कर दिया गया है। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब कि भाई किस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में घोषित कर दिया गया है। हाँ जी, किस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब तो ऑब्वियसली ऑप्शन आपके सामने है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इनमें से सही जवाब क्या है बताना है आपको। तो ऑब्वियसली इस सवाल का सही जवाब देख लेते हैं जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। द यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी मिनिस्ट्री इज करंटली हेडेड बाई रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए इस सवाल का जवाब देख लिया हमने और चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। द ऑप्शन आर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताना है आपको। तो भाई बताएंगे कहां, तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में सही जवाब बताना है। बताएंगे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूं आप इन सवालों का जवाब जरूर दे रहे होंगे अपने लिए भाई अपने, कम से कम मुझे भले ना बता रहे हो लेकिन आपके रिवीजन जरूर हो रहा होगा। आपके लिए जो है ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ये हमारे लिए है आपको बताने के लिए, है ना। आशा है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। देखिए इस सवाल का सही जवाब जो कि है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। कि भाई कंट्रीज थर्ड टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम एट द मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व MHTR जयपुर। राजस्थान इज फेसिंग अनदर क्राइसिस आफ्टर टाइग्रेस MT2 विच गेव बर्थ टू टू कब्स इन जून डाइड ऑन August 3, 2020 फ्यू डेज अगो 4 years old मेल टाइगर MT3 हैड डाइड एट MHTR। कि भाई यहां पर क्या है, राजस्थान में ये वाला टाइगर रिजर्व जो है एस्टैब्लिश्ड है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। यहां पर एक टाइग्रेस थी जिसका नाम था MT2, उस टाइग्रेस ने यहां पर 2 बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन 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 दिक्कत तबाही जब MT3 जो है एक मेल टाइगर था उसकी मृत्यु जो है 3 अगस्त को हो, यहां पे कब्स को जन्म देने के बाद जब मृत्यु हो गई किसकी, तो टाइग्रेस की MT2 की, उसके बाद MT3 भी मर गया। चलिए ठीक है अगला जो है वो क्या है भाई अगला सवाल, तो यस द पिलूर डैम जो है वो कहां पर किस नदी के ऊपर बना है। ऑप्शन आर कावेरी रिवर, वैगई रिवर, पलार रिवर या भवानी रिवर या कोलीडैम रिवर। भाई इनमें सही जवाब बताना है आपको कि भाई जो पिलूर डैम है वो किस रिवर के ऊपर बना है। ऑप्शन आर कावेरी, वैगई, पालर, भवानी या कोलीडैम। तो जवाब देख लीजिए सवाल का, तो जवाब ये रहा आपके लिए आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट भवानी रिवर। ये वाला जो डैम है वो भवानी रिवर के ऊपर बना है। क्या कहा जा रहा है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के राजामणि ऑन August 4, 2020 इशूड अ फ्लड अलर्ट फॉर पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ भवानी रिवर इन मेतुपल्लयम। द कलेक्टर सेड द वाटर लेवल एट पिलूर डैम टच्ड 97 फीट बाय 8:15 AM। द डैम्स टोटल स्टोरेज कैपेसिटी इज 100 फीट। इस डैम की कैपेसिटी कितनी है, 100 फीट तक पानी रखने की, और भाई 97 फीट तक जो है पानी भर चुका था सुबह 8:15 AM तक। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और ऑब्वियसली रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भवानी रिवर के ऊपर बना हुआ है। अगला सवाल देखिए भाई, ये वाला सवाल तो रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा इस बात के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि रिपीटेड नहीं है, वो उस सवाल पे चलते हैं जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। कि भाई थोड़ी यूरू लिप्पारा हिल विच गॉट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट स्टेटस रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। द ऑप्शन आर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो भाई द क्वेश्चन जो आपके सामने, थोड़ी यारू लिप्पारा हिल जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उसका स्टेटस जो है रिसेंटली लोकेटेड कहां पर है, ये जिसको हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन आर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब।
केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब? तो सवाल का जवाब देख लेते हैं जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। केरला इज द करेक्ट आंसर। द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी अटैच टू द परमदोम ग्राम पंचायत हैज फॉर्मली अनाउंस्ड द इकोलॉजिकली सेंसिटिव थोड़ी यूरुलिप्पर हिल इन द पंचायत एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द केरला स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड KSBB। पंचायत प्रेसिडेंट रॉबिन पीटर says the local body's announcement comes on the occasion of World Nature Conservation Day on July 28. ठीक है, चलिए ये सवाल हमने देख लिया और इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब भी देख लिया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट ये न्यूज में रहा है रिसेंटली, ये किस स्टेट से, किस देश से बिलोंग करता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब ये किस कंट्री में सिचुएटेड है बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बताना है आपको। आशा करता हूं आप इसका जवाब बताएंगे मुझे जल्दी से। चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। इस सवाल का जवाब जो है वो काफी जरूरी है देखना, क्योंकि भाई आपके सामने है इस सवाल, तो सवाल का जवाब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब देख लेते हैं जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दैट इज व्हाट यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसने लॉन्च किया है ऑपरेशन एट द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द गल्फ कोस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ कतर। न्यूक्लियर फिजन हैज बिगन इन वन ऑफ द फोर रिएक्टर्स एट द बरक्का प्लांट व्हिच यूजेस साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी। जो बरक्का प्लांट है वो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में अवस्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, और चलते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बंगाज आवाम मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कि बंगाल आवाम मेला जो है वो जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आर मेघालय, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश। भाई इनमें सही जवाब बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा मुझे इस सवाल का सही जवाब। भाई साहब ये जो व्यक्ति है जिन्होंने डिसलाइक किया है उनसे विनम्र निवेदन है जरा बताएं हमें कहां आपको जो है कमी महसूस हो रही है ताकि हम जो है अपना सुधार कर सके, कुछ सजेशन दें जरूर हमें। चलिए इस सवाल का जवाब देख लें। तो इस सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। दैट इज व्हाट जम्मू एंड कश्मीर। इस सवाल का सही जवाब है लोकल जो है हंडवारा टाउन में, लोकल्स इन हंडवारा टाउन जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट द फर्स्ट ईयर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑर्गेनाइजिंग ए टू डे फेस्टिवल बंगाल आवाम मेला। जो बंगाल आवाम मेला है ये मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, जब जम्मू और कश्मीर में लोकल्स जो हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं जो कि वहां हंडवारा टाउन के आसपास रहते हैं, उन लोगों ने आर्टिकल 370 के हटने के उपलक्ष्य में उसके एक साल के पूरे होने पर यहां पर एक क्या मनाया है भाई, तो वहां पर मनाया है उन्होंने अपना एक फेस्टिवल का नाम है बंगाज आवाम मेला। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब देख लिया हमने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इदुकी डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, कि इदुकी डैम किस रिवर के अक्रॉस बनाया गया है? द ऑप्शन आर पंपा रिवर, कावेरी रिवर, पेरियार रिवर, नयार रिवर या कलाडा रिवर। द ऑप्शन आर पंपा, कावेरी, पेरियार, नयार या कलाडा। भाई इदुकी डैम किसके ऊपर बना है? चलिए इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने। पेरियार रिवर इज द करेक्ट आंसर। द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ऑन August 4, 2020 इश्यूड इनफ्लो फोरकास्ट फॉर इदुकी डैम ऑफ 500 क्यूबिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ August 4 and 5 दिस ईयर। इदुकी डैम जो है वो किस पे बना है भाई? तो इदुकी डैम जो है पेरियार रिवर बना है। पेरियार रिवर के आसपास भाई स्थित है पेरियार वन रिजर्व। ठीक है, तो पेरियार वन रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, उसको जो है आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिएगा जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो
इडुकी डैम और रिवर पेरियार इडुकी डिस्ट्रिक्ट इज लाइकली टू गेट एन एवरेज इनफ्लो ऑफ 500 क्यूमिक 17,657 क्यूसेक ड्यूरिंग द पीरियड 11 AM on August 4, 2020 to 8 AM on August 5, 2020 and is likely to be studied. Sir Lucy said in the statement. ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि who is the present MD and CEO of Canara Bank? फिलहाल Canara Bank के present MD और CEO कौन है? ये आपसे पूछा गया है। Options are TN Manoharan, LB Prabhakar, SS Mallikarjun Rao, Padmaja Chandruya, Rajneesh Kumar। सही जवाब बताना है आपको इस सवाल का। तो ऑब्वियसली ये राय सवाल सही जवाब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दैट इज व्हाट एलबी प्रभाकर। एलबी प्रभाकर जो है वो फिलहाल कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, कैनरा बैंक के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो आप मुझे जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक लोकेटेड। कि भाई एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? क्या क्या है सवाल का सही जवाब बताइए जल्दी से। कि भाई जो कैनरा बैंक है उसका सॉरी एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? ऑप्शन आर कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो ऑब्वियसली इस सवाल का सही जवाब बताना है आपको। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं ताकि आप जवाब दे पाए सवाल का। कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूं सवाल का। तो यस, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में। हेडक्वार्टर्स ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी बैंक इज लोकेटेड एट मुंबई महाराष्ट्र है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसे जो है 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था। फिलहाल इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। दैट इज व्हाट हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। भाई कौन है एडमिनिस्ट्रेटर दादरा और नगर हवेली के और दमन एंड दीव के? द ऑप्शन आर वीपी सिंह बदनोर, दिनेश्वर शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, किरण बेदी या देवेंद्र कुमार जोशी। इनमें सही जवाब बताना है आपको कौन कौन है भाई। तो हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव? वीपी सिंह बदनोर, दिनेश्वर शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, किरण बेदी या देवेंद्र कुमार जोशी। तो भाई इस सवाल का जवाब बताना है आपको। ऑब्वियसली जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब कि दादरा और नगर हवेली के और साथ ही साथ दमन दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रफुल्ल पटेल इज द करेक्ट आंसर। प्रफुल्ल पटेल इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जो कि रहा आपकी स्क्रीन पर कि द कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरूत। The capital of Lebanon is Beirut. What is the currency of Lebanon? भाई साहब Lebanon की करेंसी क्या है? क्यों याद किया यार Lebanon को? अगस्त के महीने में Lebanon में एक जोरदार धमाका हुआ था जब वहां की पूरी देश में काफी ज्यादा तबाही मची थी और इसी कारण से वहां की पूरी कैबिनेट जो है वो जो है स्थगित हो गई थी और वहां पे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऑब्वियसली वही Lebanon की बात कर रहे हैं। तो Lebanon जो है उसकी करेंसी क्या है पूछा गया है आपसे, क्योंकि Lebanon की कैपिटल तो बेरूत है जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो Lebanon की जो कैपिटल है वो बेरूत है, ये तो आप देख पा रहे हैं। बताना है आपको कि भाई साहब Lebanon का करेंसी क्या है? तो यस, ये रहा इस सवाल का सही जवाब। Lebanon की करेंसी है लीरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं Lebanon की करेंसी है लीरा। लीरा जो है वो एक करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है वर्ल्ड के इकोनॉमी में देखा जाए तो, और Lebanon जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। अब मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्ड बेरूत, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था बेरूत में। बेरूत जो है कैपिटल है Lebanon का ऑन August 4, 2020। ठीक है, द लेबनीज पाउंड इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ Lebanon। जो लेबनीज पाउंड है वो क्या है? ऑफिशियल करेंसी है Lebanon का, सिग्निफाइड बाई यूरो और लेबनीज यूरो। The pound is also known as the lira in Arabic or the livre in French, and all notes and coins are written and referred to in both languages. ठीक है, चलिए
अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहां लोकेटेड है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहां लोकेटेड है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या आंध्र प्रदेश? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या आंध्र प्रदेश, ये आपसे पूछा गया है। इस सवाल का जवाब देखिएगा, दीजिएगा जल्दी से भाई। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो सवाल का जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड ढोले इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट एंड द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। इन इंडिया द फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर ढोले वॉज बिल्ट एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क न्यू आंध्र प्रदेश IZZP इन 2014। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केवलादेव नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है भाई? उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, पंजाब या राजस्थान? केवलादेव नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? क्या वो उड़ीसा है, मेघालय है, उत्तराखंड है, पंजाब है या राजस्थान? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी देखेंगे, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो अनाउंस किया है दैट राजस्थान गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी टू हेल्प इंश्योर द सेक्टर टाइड्स ओवर द ऑन गोइंग कोविड 19 क्राइसिस। ही ऑल्सो डायरेक्टेड ऑफिसर्स टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड? क्या आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर किस सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना या गुरुग्राम? क्या है भाई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना या गुरुग्राम? यस, इस सवाल का जवाब भी देखना है हमें, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, मुंबई। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड एट मुंबई, महाराष्ट्र। क्या कह रहे हैं, जो हेडक्वार्टर है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, वो मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जवाब देख लिया। अगला सवाल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इसमें से सही जवाब बताना है आपको इस सवाल का, ऑब्वियसली जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए देख लेते हैं इस सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। चलिए इस सवाल के बाद अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, कि भाई जो कैपिटल करेंसी बात हो रही है, तो स्पेन की कैपिटल करेंसी क्या है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दिया गया है रोम एंड यूरो, मैड्रिड एंड यूरो, एथेंस एंड पाउंड, एथेंस एंड यूरो या रोम एंड पाउंड? तो ऑब्वियसली इस सवाल का भी सही जवाब देखना है हमें, ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके स्क्रीन पर आपके सामने, मैड्रिड एंड यूरो। भाई मैड्रिड एंड यूरो का बात यहां पर करा जा रहा है, कि द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्पेन आर मैड्रिड एंड यूरो रेस्पेक्टिवली, कि द कैपिटल ऑफ एंड करेंसी, कैपिटल ऑफ करेंसी जो है स्पेन की, वो क्या है, मैड्रिड है और यूरो है। मैड्रिड जो है वो क्या है, कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल है, और ये क्या है, ये करेंसी है, है ना, ये क्या है, करेंसी है। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC? द ऑप्शन आर संजीव रॉय, एन शर्मा, विनय कुमार सक्सेना या राजन बाबू या अजय त्यागी? इनमें सही जवाब बताना है आपको, तो बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब बताना है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल का सही जवाब, विनय कुमार सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। द करेंट चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इज विनय कुमार
सक्सेना की जो करंट चेयरमैन है खादी एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के, वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। चलिए अगला सवाल देखें, इस सवाल का जवाब देख लिया हमने। अगला सवाल यह रहा स्क्रीन पर, हु इज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के, ये बताना है आपको। कि फिलहाल अभी भारत में यूनियन यानी कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, आर एस प्रसाद, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। ऑब्वियसली जवाब बताना है आपको। आगे चलते हैं और देखेंगे सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट पीयूष गोयल। पीयूष गोयल द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया के प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। अगला सवाल, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। चलिए जवाब देखें सवाल का, भाई साहब कह रहे हैं आलोक जी उत्तर प्रदेश। अच्छा, और कोई जवाब दे रहा है सवाल का? अगर हाँ तो जल्दी सुनाइए, अदरवाइज ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई आलोक जी, उत्तर प्रदेश ही सही जवाब इस सवाल का। यस, यूनियन कैबिनेट ऑन जून 24 अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ द एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश कुशीनगर एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कुशीनगर फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे इन्फॉर्म्ड हिज श्रीलंकन काउंटर पार्ट महिंदा राजपक्ष अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सिटी ऑफ कुशीनगर एंड सेड दैट द सिटी लुक्ड फॉरवर्ड टू वेलकमिंग विजिटर्स फ्रॉम श्रीलंका एट एन अर्ली डेट। चलिए, हेलो मोनालिसा, हाउ आर यू? चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, जेनबाकू डोम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भाई जो जेनबाकू डोम है द जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? जेनबाकू डोम जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या थाईलैंड। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या इंग्लैंड, ये बताना है आपको। इस सवाल का सही जवाब बताइए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं सवाल का सही जवाब, जो कि है आप स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, जापान। बहुत बढ़िया आलोक जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने, जापान इज द करेक्ट आंसर। द हिरोशिमा पीस मेमोरियल जेनबाकू डोम जापान, वन ऑफ द फ्यू स्ट्रक्चर्स लेफ्ट स्टैंडिंग इन द सिटी सेंटर आफ्टर द बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन 6 अगस्त 1945। आपको पता है 1945 में क्या हुआ था? दो एटम बॉम्ब गिराए गए थे, दो एटम बॉम्ब गिराए गए थे, कहां पर? जापान में। किसके द्वारा? तो भाई गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और भाई उसमें से एक है हिरोशिमा, दो प्लेस थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो ये हिरोशिमा है जहां पर हिरोशिमा पीस मेमोरियल है, और हिरोशिमा पीस मेमोरियल में जेनबाकू डोम जो है एस्टैब्लिश्ड है, वो वहीं पर ही स्थित है जहां पर जापान में अमेरिका ने बम गिराया था, एटम बम गिराया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? कि भाई साहब फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, वो कौन है? ऑप्शन आर बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, अनुसुईया यूकी, आनंदीबेन पटेल या मनोज सिन्हा। इनमें सही जवाब बताना है आपको जल्दी से। यस मुरारी सा आलोक, कौन कौन से लोग हैं मिल रहे सारे सही जवाब? भाई साहब जल्दी से लाइए सवाल का सही जवाब, कौन कौन से लोग हैं मेरे साथ इस सेशन में अभी? जो लोग हैं पहले से तो पहले लाइक करें, शेयर करें पूरे के पूरे वीडियो को, देन आगे चलते हैं। भाई जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके मेरा ये सेशन, और मुझे मिल सके आपका भरपूर सहयोग। लाइक और शेयर जरूर कीजिए जल्दी से पहले सेशन को, उसके बाद चलते हैं आगे और देखेंगे। अरे बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लगभग 500 सवाल है आज के लिए, तैयार रहिए इस बात के लिए। यस देखते हैं इस सवाल का सही जवाब, यार आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, अनुसुईया यूकी इज द करेक्ट आंसर। अनुसुईया यूकी जो है प्रेजेंट गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, आलोक पंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, मुरारी साहब आपने किया
चलिए इस सवाल का जवाब हमने देख लिया है और देखते हैं अपना अगला सवाल, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के स्टेट के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है जी, ये बताइए मुझे। हाँ जी बता रहे हैं, जल्दी बताइएगा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ जी कौन कौन से लोग हैं? बहुत बढ़िया लोकपन जी, बहुत सही कहा आपने, भूपेश बघेल इज द जो है वो कौन है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत बढ़िया बात है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया यूकी, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, बहुत बढ़िया। चलिए और वहां का जो कैपिटल है वो बिलासपुर रायपुर है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सब बातें हमने देख ली हैं। और अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन पर रहा, ये दैट इज वेयर द हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया कांग्रेस है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है आपको नोएडा, पुणे, कोलकाता, मुंबई या न्यू दिल्ली, भाई साहब पूछा गया है एक्सिम बैंक के बारे में, एक्सिम बैंक जल्दी से बताइएगा, एक्सिम बैंक के बारे में, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, नोएडा, पुणे, कोलकाता, मुंबई या न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया आलोक कह रहे हैं दिल्ली, यस एनीवन एल्स, कोई और भी है जो जवाब दे इस सवाल का, यस हु एल्स इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ, जवाब दीजिए जल्दी से इस सवाल का, यस चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही बताता हूं वो सवाल, क्योंकि समय हो चुका है खत्म। और ये रहा इस सवाल का सही जवाब, मुंबई, मुंबई इज द करेक्ट आंसर, यस हेडक्वार्टर जो है वो कहां स्थित है, तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, इसके सीईओ हैं डेविड रस्किना, जो कि अगस्त 2017 में इसके सीईओ बनाए गए थे, एमडी एंड सीईओ, और भाई साहब इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी सब्सिडरीज बहुत सारी हैं, सब्सिडरीज भी कभी कभी पूछा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, एसेट मैनेजमेंट आर्म है इसका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, लंदन ब्रांच इसका जो है वो भी इसका सब्सिडियरी है। साझा बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, इट वाज फाउंडेड इन 1982, यस कम ऑन, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर ऑन योर स्क्रीन, ये अगला सवाल कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी व्हिच विल बी फॉर्मड बाय इसरो टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस, क्या कह रहे भाई कि नेम ऑफ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी का नाम बताइए, व्हिच विल बी फॉर्मड बाय इसरो, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस बाय नेशनल स्पेस इन स्पेस प्राइवेट स्पेस स्पेस प्रो या नॉन ऑफ द अबव, आलोक जी कह रहे हैं इन स्पेस, यस एनीवन एल्स, कोई और भी जवाब दे रहे हैं सवाल का तो जवाब दे दीजिए मेरे को, जवाब देख लिया इस सवाल का, ये तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट इन स्पेस, क्या कहा जा रहा है कि द डिसीजंस ऑफ द न्यूली सेट अप इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस द सिंगल विंडो नोडल एजेंसी ऑन द लॉन्च डेट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स एंड यूज ऑफ फैसिलिटीज ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एसेट्स ऑल्सो बाय प्राइवेट प्लेयर्स विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, सॉरी चलिए देख लेते क्या कहा जा रहा है यहां पे, कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पब्लिश द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑफ इन स्पेस, सॉरी एक मिनट समय दीजिए मुझे जल्दी से,
चलिए क्या कह रहे थे, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पब्लिश द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन स्पेस formed after the department decided to open up the assets for all with an aim to boost the private sector's participation in the space activities in the country. On the ISRO's website, according to it, InSpace will have a chairman, technical, strategic and legal experts in space activities, safety and from other departments, academia and industries and members of the PMO and Ministry of External Affairs. बहुत सही बातें, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं आपको यहाँ पर. अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज व्हाट, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का कैपिटल और करेंसी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक, डोडोमा एंड शिलोंग, शिलिंग, हरारे एंड आरटीजीएस डॉलर, लिलोंगवे एंड क्वाचा, मापुटो एंड मेटिकल, लुसाका एंड पुला. इनमें से आपको बताना है सही जवाब. भैया कौन से लोग हैं जो सवाल का सही जवाब देने वाले हैं, जल्दी से बताइए मुझे सवाल का सही जवाब कि मोजाम्बिक का कैपिटल और करेंसी क्या है. मोजाम्बिक एक देश है, उस देश की कैपिटल और करेंसी क्या है ये बतानी है आपको, जल्दी से बताइएगा मुझे इस सवाल का सही जवाब. जवाब देख लिया सवाल का, जो कि ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, मापुतो एंड मेटिकल, द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक आर मापुतो एंड मोजाम्बिकन मेटिकल रिस्पेक्टिवली. भाई साहब प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल, प्रेसिडेंट फिलहाल इसके प्रेसिडेंट, इस देश के प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी, एफ आई एल आई पी ई एन वाई यू एस आई, फिलिप न्यूसी, ठीक है. और ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, पोर्तुगीज, पोर्तुगीज, ठीक है. तो याद रखिएगा ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है. और यस चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर अपने आपके सामने कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC लोकेटेड, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है ये बताइए मुझे जल्दी से. ऑप्शन दिया गया है आपको आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पुणे, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पुणे, ये पूछा गया है आपसे. भाई साहब जल्दी से बताइएगा सवाल का सही जवाब. चलिए देख लिए सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, मुंबई, द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC लोकेटेड एट मुंबई, महाराष्ट्र. हेडक्वार्टर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वो लोकेटेड है कहां, मुंबई महाराष्ट्र में. यस मुंबई महाराष्ट्र में. और इस सवाल का सही जवाब देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं आपको यहां पर कि अभी फिलहाल इसके चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन है MR कुमार. कौन है, MR कुमार. और हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है. फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. और साथ ही साथ इसे कब फाउंड किया गया था, फाउंडेड ऑन 1 सितंबर 1956. साथ ही साथ फिलहाल इसके सब्सिडरीज भी हैं, और दो तीन सब्सिडरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. एक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, और दूसरा है, और दूसरा है IDBI बैंक को भी इसने जो है अब अंडरटेक कर लिया है. IDBI बैंक, कब हुआ था IDBI बैंक का मर्जर LIC के साथ, ये बता पाएंगे आप मुझे, तो जल्दी से बताइए एक बार, IDBI बैंक जो है वो कब मर्ज किया गया LIC के साथ, LIC ने कब उसको अपने अंडर लिया था. चलिए ये बात मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मोनालिसा कह रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कभी कभी होता रहता है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है,
टेंशन ना लीजिए ज्यादा, बस जहां तक हो रहा है मदद करते रहिए, आराम से मेहनत करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर सामने, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है ये बताना है आपको। ये पूछा गया है आपसे कि हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजीव मेहता, दोराब टाटा, नरेंद्र बत्रा, ईशान किशन या संदीप प्रधान। ये पूछा गया है आपसे कि भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इसके जो है वो कौन है डायरेक्टर जनरल। हाँ जी, एनीवन हु कैन आंसर द क्वेश्चन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइएगा इसकी फाउंडर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इसकी फाउंडर है, और इसे साई को फाउंड किया गया था 1984 में ये फाउंडेड है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। कहां है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो भाई साहब डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान जी। संदीप प्रधान इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिलहाल डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान, याद रखिए इस बात को। और चलते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल जो किए रहा आपकी स्क्रीन पर। नारायणपुर डैम विच इज इन न्यूज रिसेंटली, विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इज बिल्ट ओवर विच रिवर, इसे किस रिवर पर बनाया गया है? नारायणपुर डैम जो कि अभी अभी न्यूज में रहा है काफी समय तक, वो किस रिवर पर बना हुआ है? कृष्णा, भीमा, कावेरी, काबिनी, तुंगा। क्या है भाई सवाल का सही जवाब? कृष्णा, भीमा, कावेरी, काबिनी या तुंगा। तो भाई ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब देखना है, इस सवाल का जवाब देखा जाएगा। जल्दी से अपनी स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो लोग मेरे साथ हैं इस सेशन में। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही जवाब बताता हूं आपको। आज सेशन में क्या नेटवर्क इश्यू जरूर आ रहा है, बहुत सारा काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही लगता है शायद, क्योंकि क्या है कि आज जवाब काफी कम आ रहे, हो सकता है नेटवर्क इश्यू कुछ ज्यादा हो। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूं सवाल का जवाब, जो कि ये रहा स्क्रीन पर। कृष्णा रिवर, कि द वाटर लेवल हैज राइजन इन द कृष्णा रिवर एंड अदर रिवर्स इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर इंक्रीज आउटफ्लो फ्रॉम नारायणपुर डैम। जो नारायणपुर डैम है वहां से ज्यादा जो है छोड़ दिया गया है पानी, ज्यादा आउटफ्लो हुआ है पानी का, तो इसलिए जो है रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा और बाकी के रिवर्स में जो है वाटर लेवल बढ़ गया है, और यहां पे इसके कारण क्या है, फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया है, और जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो रिजर्वायर अथॉरिटी इन्फॉर्म दैट द वाटर इनफ्लो टू नारायणपुर डैम वॉज अराउंड 2.20 लाख क्यूसेक एट अराउंड 10 AM ऑन August 8, कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था इनफ्लो, तो ऑब्वियसली आउटफ्लो भी तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगला सवाल देख लीजिए क्या रहा ये अगला सवाल आपके लिए, कि भाई विच इज द फर्स्ट कंट्री इन इंडियन ओशन रीजन टू अचीव दिस स्टेटस ऑफ सुनामी रेडी। भाई कौन सी कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में जिसको कि स्टेटस मिल गया है सुनामी रेडी फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन IOC यूनेस्को, है ना। IOC यूनेस्को जो है उसने किस देश को सुनामी रेडी के नाम से जो है स्टेटस दे दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो ऑब्वियसली इस सवाल का सही जवाब श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, बांग्लादेश भी नहीं, चाइना भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। यस ऑब्वियसली ओडिशा जो है भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पहला स्टेट बन गया है जिसने क्या किया है, वह सुनामी रेडी का टैग स्टेटस हासिल किया है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन इंडियन ओशन रीजन टू अचीव दिस स्टेटस ऑफ सुनामी रेडी फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC ऑफ यूनेस्को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह रहा दैट इज व्हाट द इराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इराविकुलम नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा गया है आपसे इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। ऑप्शन दिया गया है आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरला। जल्दी से बताइएगा सवाल का सही जवाब, अगर कोई है मेरे साथ तो जल्दी से बताइएगा सवाल का सही जवाब।
चलिए जवाब देख लेते इस सवाल का। यस, इस सवाल का जवाब ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, एराविकुलम केरला में स्थित है। एराविकुलम कहां है? केरला में स्थित है। द लैंड स्लाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड एट द नायमक्कल्टी स्टेट एट पेटीमुडी व्हिच इज लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मन्नार एडजेसेंट टू एराविकुलम नेशनल पार्क केरला। द पार्क इज इन कंटिन्यूटी विद द नेबरिंग चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अम्मुडी सोला नेशनल पार्क पंपादम सोला नेशनल पार्क कुरिजिमला सेंचुरी एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन नामों को याद रखिएगा कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? केरला में। और केरला में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एस्टेब्लिश्ड है, केरला में ही अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क भी एस्टेब्लिश्ड है, केरला में ही पंपादम सोला नेशनल पार्क भी एस्टेब्लिश्ड है, केरला में ही कुर्रिजिमाला सेंचुरी और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है अवेलेबल है या एस्टेब्लिश्ड है या वहीं पे सिचुएटेड है। तो याद रखिए इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल कि नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये न्यूज में रहा है काफी समय तक, पर ये किस स्टेट में एस्टेब्लिश्ड है? असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक या उड़ीसा? असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक या उड़ीसा? जल्दी बताइएगा। चलिए जवाब देख ले इस सवाल का भी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट, ओडिशा। अ मेल स्वैम्प डियर कॉमनली नोन एज बारहसिंगा डाइड ड्यू टू प्रोलॉन्गिंग इलनेस एट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एट भुवनेश्वर ओडिशा। इसीलिए भाई साहब भुवनेश्वर में जो स्थित है नंदनकानन पार्क, वहां पर एक डियर की मौत हो गई थी इलनेस के कारण, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहा। दीपक झाजी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया सर, गुड इवनिंग, ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये जो भुवनेश्वर सिटी है वहां पर जो नंदन कानन है वो वहां पर क्यों जाना जाता है भाई? तो नंदन कानन जो है वहां पे कुछ नोटेबल एनिमल्स हैं जिनका नाम आता है, दैट इज व्हाट, गंगा, रेबाती, थारा, डायना, सीमा और दीपक, ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स है वहां पे जिनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, ये नोटेबल एनिमल्स है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भाई विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा गया है आपसे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या केरला? ये बताइएगा सवाल का सही जवाब। भाई दीपक जी आप बुरा नहीं मानिएगा, वहां पर जो नंदनकानन नेशनल पार्क है वहां पे उसके बारे में जो है वो लिखा गया है, क्योंकि वो जो है वहां पर कोई जानवर का नाम है, ठीक है। चलिए नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है उसे एस्टैब्लिश किया था 1960 में, ठीक। चलिए ई कह रहे हैं भाई, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का आंसर बता रहे हैं ई। ये लीजिए सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश। पहला जवाब जो है वो सही है इस सवाल का, दैट इज व्हाट, अ फायर ब्रोक आउट ऑन अ कोस्टल शिपिंग बोट इन द विशाखापट्टनम बोट ट्रस्ट वेस्ट Q5 बर्थ ऑन August 9, 2020। द BD-51 ship from Chennai reached the port at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This coastal ship is used to transport crew and two ships. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें साथ साथ, चलिए जल्दी से क्योंकि समय है कम और क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? नोएडा, पुणे, गुरुग्राम, रांची या फिर पटना? क्या है भाई, नोएडा, पुणे, गुरुग्राम, रांची या पटना? इनमें सही जवाब क्या है बताना है आपको, तो जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए देख ले सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, पुणे इज द करेक्ट आंसर। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ये रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पुणे में लोकेटेड है, पुणे महाराष्ट्र में। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पुणे वाला इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और भाई इसके सीईओ है आधार पुणे वाला। सीईओ कौन है इसके? आधार पुणे वाला, ठीक है। और फाउंडर कौन थे इसके? इसके फाउंडर थे साइरस एस पूनावाला, ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। कब फाउंड किया गया था? तो इट वॉज फाउंडेड इन 1966। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा लेवल पर वैक्सीन बनाती है और सबसे सस्ती वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, वेयर डज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड। क्या है भाई नाम? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जल्दी से लगाइए सवाल सही जवाब। भाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? चलिए जवाब देंगे सवाल का। यस, ये राय सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपक जी, उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम द बिग कैट काउंट विल बी कंडक्टेड इन द एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ पीलीभीत अमारिया तहसील, वेयर अ टाइग्रस एंड थ्री कब्स हैड मूव्ड इनटू 8 years अगो, द ऑफिशियल एस्टिमेशन इज टू बिगिन विद इन 2-3 days, सेट द चीफ डायरेक्टर ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, जिनोवा सैन जियोर्जियो ब्रिज, सुनिए ध्यान से, जियोना जिनोवा सैन जियोर्जियो ब्रिज विच वॉज इन न्यू रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जिनोवा सैन जियोर्जियो ब्रिज किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन आर जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्राजील, पोर्तुगल। भाई क्या नाम है इस ब्रिज का? जिनोवा सैन जियोर्जियो ब्रिज। हाँ जी, जवाब बताएंगे इस सवाल का। चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, इटली, इटली इज द करेक्ट आंसर। ये इटली का एक ब्रिज है भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर वहां के इटली के जो है जुसेपे कोंटे ऑफ इटली इनॉग्रेटेड द रेंजो पियानो डिजाइंड विया द तो जेनोवो सैन जियोर्जियो सैंट जॉर्ज ब्रिज। इसके लिए मोदी जी ने उनको जो है दिया था कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बिल्कुल भी सही काम किया है। तो भाई इसीलिए नाम याद रह गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार जैसे ही हमारे देश में पीएम का नाम आता है तो भाई मोदी ही नाम सामने आता है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जोश जुनून और जज्बे के साथ जो अभी सामने नजर आ रहे हमारे आसपास फिलहाल एट द प्रेजेंट टाइम वो यही व्यक्ति है। 3,500 foot long concrete and steel viaduct carrying 4 lanes of a 18 motorway across the Polcevera River in the northwestern city of Genoa. The bridge was collapsed on 14th August 2018 and claimed 43 lives. ये जो ब्रिज है ये 14 अगस्त 2018 को कोलैप्स कर गया था और इसमें 43 लोगों की जाने गई थी। अब इसे फिर से बना दिया गया है और 4 अगस्त 2020 को इसे फिर से आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आशा है आपने न्यूज में इसे जरूर देखा होगा, इसकी लेंथ टोटल 1067 किलोमीटर है, 1067 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात यहां पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कि भाई इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? क्या पूछा गया है आपसे
कि ट्यूलिप गार्डन जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये किस स्टेट में लोकेटेड है। चलिए यहां पूछा तो गया है सिटी के बारे में, है ना, सॉरी स्टेट बोल दिया मैंने गलती से, सिटी के बारे में पूछा गया, पटना, श्रीनगर, अमृतसर, ले या गुवाहाटी। पटना, श्रीनगर, अमृतसर, ले या गुवाहाटी, इनमें से सही जवाब क्या है ये बताना है आपको। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एनीवन हु कैन आंसर द क्वेश्चन। चलिए जवाब देख ले इस सवाल का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट, श्रीनगर विथ अ न्यू हाईटेक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ डेलिकेट ट्यूलिप बल्ब्स, श्रीनगर वर्ल्ड फेमस इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज रेडी फॉर नेक्स्ट सीजन ब्लूम। सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द जबरवा रेंज विद एन ओवरव्यू ऑफ डल लेक, द गार्डन इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन एंड वॉज ओपन इन 2007 विद द एम टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में टूरिज्म को और फ्लोरिकल्चर को यानी कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया या इसे वहां पर ओपन किया गया था 2007 में। ठीक है, ये लगभग 30 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात, ये शाम को 7:30 में बंद हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि विच आइलैंड इज नेम्ड एज वर्ल्ड मोस्ट प्लांट रिच आइलैंड भाई, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोरेनो, सुमात्रा या होंसु। ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोरेनो, सुमात्रा या होंसु। तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं, इस सवाल का जवाब देख लेते हैं जो कि आपके सामने आने वाला है अभी, लेकिन आशा करते हैं कि आप भी सवाल का जवाब जरूर बताएंगे मुझे। क्या है भाई मोस्ट प्लांट रिच आइलैंड? चलिए जवाब देख ले सवाल का, ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, न्यू गिनिया। द रिसर्चर्स टीम लेड बाय डॉक्टर रोड्रिगो कैमरा लैरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच कंक्लूड्स न्यू गिनिया हैज 13,634 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम 1742 जेनेरा। चलिए जवाब देख लिया सवाल का, लैंगपुई एयरपोर्ट जो कि न्यूज में आया रिसेंटली वो किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा गया है आपसे। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब आपके लिए, यहां पर मैं तो बताने ही वाला हूं लेकिन इससे पहले आशा करता हूं कि आप जरूर बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। यस, चलिए आंसर देख लिया सवाल का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, मिजोरम। मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। टेबल टॉप एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड एंड बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्लेटू और हिली सरफेस, दैट इज व्हाट, विथ वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे लुकिंग ओवर लुकिंग अ ड्रॉप। द एयरपोर्ट्स इन द कंट्री विच वुड काउंट एज टेबल टॉप्स आर नेमली लैंगपुई, कहां पे है, मिजोरम में, नाम याद रखिएगा लैंगपुई मिजोरम में, शिमला और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पाक्योंग सिक्किम में, मंगलुरु कर्नाटका में, कोझिकोड एंड कन्नौर बोथ केरला। रिसेंटली ऑन August 7 अ बोइंग 737 ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस द लो कॉस्ट सब्सिडरी ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया ऑन अ स्पेशल वंदे भारत रिपैट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू कोझिकोड ओवरशॉट द रनवे। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल आपके सामने ये रखते हैं भाई, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट द मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड कवकास 2020 और ककॉस 2020। ऑप्शंस आर इंडिया, रसिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। कौन सी कंट्री है जिसने अभी अभी होस्ट किया है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था कवकास 2020 या ककॉस 2020। ऑप्शंस आर रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो भाई जवाब बताइएगा मुझे इस सवाल का। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं सवाल का सही जवाब जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रसिया इज द करेक्ट आंसर। यस पायल श्रीवास्तव कह रही इंडिया, नहीं नहीं, रसिया इज द करेक्ट आंसर।
इंडिया विल टेक पार्ट इन द रशियन कवकास 2020 स्ट्रेटजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ. अ स्मॉल ट्राई सर्विस कंटिजेंट विथ विल टेक पार्ट इन एक्सरसाइज टू बी हेल्ड अस्त्रखान रसिया. कहां होने वाला है? अस्त्रखान रसिया में. द कवकास 2020 ऑल्सो रेफर टू एज कवकास 2020 इज एन एक्सरसाइज एम्ड एट असेसिंग द एबिलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेज और टू एंश्योर मिलिट्री सिक्योरिटी इन रसिया साउथ वेस्ट. The invitees also include China and Pakistan, apart from other member states of the Shanghai Cooperation Organization. ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले. ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने. That is Kushok Bakula Rinpoche Airport is located in which state? Kushok Bakula Rinpoche Airport किस स्टेट में लोकेटेड है? Kushok Bakula Rinpoche Airport किस स्टेट में लोकेटेड है? श्रीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, ले या कोझिकोड? क्या है ऑप्शन? सही जवाब रहिए अगले सही सवाल का. श्रीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, ले या कोझिकोड? जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं अभी अभी, वो लोगों से मेरा निवेदन है कि भैया हमें फॉलो कर ले जल्दी से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर @SahilRajShrivastav. दैट इज माई हैंडल ऑन अकेडमी. और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो भी मेरे साथ हैं वो मुझे वहां जरूर मिलेंगे. चलिए देखता है इस सवाल का सही जवाब, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने. दैट इज व्हाट? ले इज द करेक्ट आंसर. यस, वेरी गुड पायल. रिसेंटली CISF टेक्स ओवर सिक्योरिटी ऑफ Kushok Bakula Rinpoche ले एयरपोर्ट. द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ऑन वेंसडे took over the security of the Leh airport. Ladakh, the country's highest altitude commercial aerodrome in the newly created union territory of Ladakh. Chali, Leh bahut important hai kyunki ab yahan par jo airport hai usko dekh rekh ki suvidha, uski safety ki jo vyavastha hai wo ab CISF yani Central Industrial Security Force ko saup di gayi hai. Theek hai, agla sawal aapki screen par ye raha. That is what? The capital of Peru is Lima. पेरू का कैपिटल लीमा है, तो पेरू की करेंसी क्या है ये पूछा गया है आपसे. इको वॉन तोमार रियाल या सोल? इको वॉन तोमार रियाल या सोल? जवाब बताना है जल्दी से आपको इस सवाल का. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. पेरू, यस. एनीवन कुड यू आंसर द क्वेश्चन कि भाई पेरू का करेंसी क्या है? पायल सिंह, सोल इज द करेक्ट आंसर. यस, ये देख लेते हैं भाई जवाब इस सवाल का ये रहा. सोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. That is what the capital currency of Peru are Lima and Peruvian sol respectively. बहुत बढ़िया बात. ये वाला जो देश है जिसका नाम है पेरू, ये एक रेगिस्तानी भूमि में बसा हुआ देश है जनरली. और यहां पर भाई अलग अलग तरह के जो है सीन देखने को मिलते हैं, अलग अलग जानवर हैं और अलग अलग तरह के रोग भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये भी एक समय कॉलोनियल कंट्री हुआ करता था जहां पर किसी अन्य देश का शासन था. ठीक है, अगला सवाल है कि सागर देगी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट. ये सागर देगी थर्मल पावर प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? सागर देगी थर्मल पावर प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा या झारखंड? आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा या झारखंड? सही ओडिशा में करेक्ट आंसर. यस, ओके, चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब जो आपके सामने है. वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इस सवाल का सही जवाब है. स्टेट ओन्ड इंजीनियरिंग फर्म वेल सेड इट हैज कमेंस्ड सिविल वर्क्स एट 660 मेगावाट सागर देगी सुपर क्रिटिकल
थर्मल कोल प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। भाई वेस्ट बंगाल से वाला सही जवाब है, क्योंकि ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में स्थित है। जैसा कि आप जान पाएंगे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है जिसका नाम है सागरदीघी, वहीं पे ये वाला सागरदीघी थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले। ये रहा आपके स्क्रीन पर पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहां स्थित है, वेयर इट इज लोकेटेड। भाई पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल, जवाब बताना है आपको इस सवाल का। भाई साहब जल्दी से भाई सवाल का सही जवाब, कौन कौन से लोग हैं मेरे साथ सेशन में, जवाब दीजिएगा इस सवाल का, बहुत जरूरी है इस सवाल का जवाब देना। क्या पूछा गया आपसे, पन्ना नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, भाई साहब बताइए सवाल का जवाब। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर आंसर। यस, देख लेते हैं सवाल का सही जवाब, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर है। रिसेंटली टाइगर हैज डाइड इन पन्ना नेशनल पार्क, क्यों इसका नाम न्यूज में आया है भाई साहब, रिसेंटली टाइगर एक जो बाघ है उसकी मृत्यु हो गई है पन्ना नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, कि द फिफ्थ इन द सेवन मंथ, पिछले सात महीने में यह पांचवा बाघ है जिसकी मृत्यु हुई है। इट्स कार्कास वॉज फाउंड फ्लोटिंग इन केन रिवर लेट संडे नाइट आफ्टर फाइट विथ अनदर मेल। इन दोनों लोगों के बीच में जो है, दो बाघों के बीच में जो है वो हो गया था एक फाइट। अ फॉरेस्ट गार्ड वॉच द क्लैश ऑफ फैंग्स एंड क्लॉज थ्रू बायोक्लोज फ्रॉम वॉच टावर। फील्ड डायरेक्टर ऑफ द पार्क के एस भदौरिया सेड द फाइट सीम्स टू हैव बीन ओवर मीटिंग अ टाइगर्स T6। टाइगर्स P123 एंड P431 फॉट फियर्सली ऑन द रिवर बैंक ऑन ऑगस्ट 7 एंड P123 लॉस्ट। चलिए द नेक्स्ट इज हियर ऑन योर स्क्रीन, ये रहा अगला सवाल कि द कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। की कुद्रेमुख क्या है भाई, कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ऑप्शंस आपके सामने हैं और पूछा गया है आपसे कि कहां स्थित है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश जवाब दिया जा रहा है, भाई इस सवाल का जवाब देख लीजिए, यह रहा आपके सामने कर्नाटक, इस सवाल का सही जवाब है। रिसेंटली लैंडस्लाइड वाज हैपेंड इन कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कर्नाटक एज विंड रेन बैटर कोस्ट। ऑब्वियसली अभी अभी ना यहाँ पे एक क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हो गई थी, इसीलिए न्यूज में आया था और इसीलिए ये जो एस्टेब्लिश किया गया है इसे एस्टेब्लिश किया गया है कर्नाटक में, है ना। या यहाँ पे जो है हवा काफी तेज चलती है, यहाँ पे अगर आप देख पाए तो इन जनरल यहाँ पे विंडी डे रहता है, यहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार से हमेशा हवा चलती रहती है, लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पे हमेशा हवा चलती रहती है और स्पीड वही रहता है और लगभग ये 2000 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ लेबनन। लेबनन की कैपिटल करेंसी क्या है, कहां का पूछा गया है आपसे, कैपिटल करेंसी लेबनन, है ना, लेबनन करेंसी एंड कैपिटल। बहुत बढ़िया, बेरूत तो बताया आपने, बेरूत एंड येन या बेरूत या पाउंड, बेरूत एंड येन या बेरूत एंड पाउंड, हाँ जी विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ओके ग्रेट, द बेरूत एंड पाउंड इज द करेक्ट आंसर, यस इट इज रियली करेक्ट। द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लेबनन और बेरूत एंड पाउंड रेस्पेक्टिवली, जो बेरूत और पाउंड है वही इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक लोकेटेड। भाई साहब साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है, किसके बारे में पूछा गया है, साउथ इंडियन बैंक के बारे में पूछा गया है, मैसूरु, चेन्नई, त्रिशूर, कोलकाता या पुणे, साउथ इंडियन बैंक।
साउथ इंडियन बैंक। इसके बारे में बताना है आपको, जल्दी सुनाइएगा सवाल का सही जवाब। यस एनीवन? चेन्नई बता रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, त्रिशूर इज द करेक्ट आंसर। त्रिशूर इज द करेक्ट आंसर। त्रिशूर जो है इस सवाल का सही जवाब है, और हेडक्वार्टर जो है साउथ इंडियन बैंक का त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। ठीक है, त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। साउथ इंडियन बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। इसके सीईओ सीईओ कौन है? मुरली रामकृष्णन। कौन है? मुरली रामकृष्णन जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर त्रिशूर में स्थापित है, इसको फाउंड किया गया था 29 जनवरी 1929 को, और इसका टैगलाइन है, क्या टैगलाइन? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इन बातों को। एसबीआई पीओ या आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना है, मेंस का एग्जाम क्लर्क का देना है या पीओ का देना है, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, माउंट सिनाबंग वोल्केनो लोकेटेड, विच इज इन न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कि भाई माउंट सिनाबंग वोल्केनो कहां लोकेटेड है? जापान, चिली, रशिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स? क्या पूछा गया है आपसे? माउंट सिनाबंग वोल्केनो, हाँ जी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब दिया आपने। यस एनीवन एल्स को जवाब दे रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया इन्होंने, दैट इज व्हाट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही जवाब है। इंडोनेशिया माउंट सिनाबंग वोल्केनो इरप्टेड ऑन August 10, 2020 सेंडिंग अ कॉलम ऑफ एश एंड स्मोक मोर देन 16,000 फीट इनटू द एयर। द वोल्केनो बिकेम एक्टिव इन 2010 इरप्टिंग आफ्टर नियरली 400 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री NMNH USA जनरली देर आर अबाउट 20 volcanoes एक्टिवली erupting एवरी डे। माउंट सिनाबंग एन एक्टिव volcano ऑन इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड हैज erupted। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, तो अगला सवाल भी देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन एक बात ये बता दें आपको कि जो प्रोविंस है जहां पर ये established है उसका नाम है नॉर्थ सुमात्रा, और एलिवेशन लगभग 2,500 feet की है, 2,500 meter की है। ठीक है, मतलब यह समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, डेप्सांग प्लेन्स विच इज इन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? डेप्सांग प्लेन जो कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज में रहा है, वो किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या मणिपुर? हाँ जी, डेप्सांग प्लेन्स विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? चलिए जवाब देख ले सवाल का, जो कि है आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। इंडिया एंड चाइना हैव हेल्ड टॉक्स एट द मेजर जनरल लेवल टू डिस्कस इश्यूज कंसर्निंग द स्ट्रेटेजिक डेप्सांग प्लेन्स। The Deepsang Plains along with Pangong So are two major areas of concern in the ongoing standoff along the line of actual control LSC in eastern Ladakh. Deepsang is also close to the Karakoram Pass overlooking the very strategic Saltoro Ridge and Siachen Glacier. ठीक है, चलिए आशा है आपको ये नाम जरूर याद रहेगा, है ना? That is Ladakh.
अगला सवाल आपके लिए, शारदा रिवर ओरिजिनेट्स एट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? शारदा रिवर किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो है निकलती है, ओरिजिनेट करती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या उड़ीसा? क्या पूछा गया है? शारदा रिवर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या उड़ीसा? यस एनीवन, कुड यू आंसर द क्वेश्चन? चलिए जवाब दे इस सवाल का, बिल्कुल सही, यस उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। द वाटर लेवल ऑफ शारदा बैरेज इन द बनबासा एरिया ऑफ चंपावती डिस्ट्रिक्ट आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग ड्यू टू राइज इन द लेवल ऑफ शारदा रिवर फॉलोइंग इनसेसेंट रेनफॉल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो बारिश है काफी ज्यादा हो गई थी इस बार, इसीलिए वहां पर जो है रिवर का लेवल लगातार बढ़ रहा था, और रिवर जो है उसका जो ओरिजिनेशन है वो उत्तराखंड से है, ठीक है, उसका उत्तराखंड से ही इसका ओरिजिनेशन है, बिल्कुल। ये जो है शारदा रिवर, इसे कई बार काली रिवर या महाकाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनेट करती है काला पानी में इन द हिमालयाज एट एन एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इंडिया, ठीक है। काला पानी एक ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा क्लेम्ड है इंडिया के द्वारा भी, यानी इंडिया का मानना है ये जो है वो उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाल का मानना है कि नेपाल का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए जो लोग हमारे साथ हैं, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा तो अभी लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि जो है यहां पर भी कुछ चीजें दिखती रहे हमें और हमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट छत्रसाल स्टेडियम इज लोकेटेड विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कि छत्रसाल स्टेडियम किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में लोकेटेड है? पंजाब, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या हरियाणा? पंजाब, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या हरियाणा? चलिए जवाब दे इस सवाल का, जो कि है आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द मेगा कल्चरल प्रोग्राम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट द छत्रसाल स्टेडियम। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड कर लिया है कि जो मेगा बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में, उसे अब कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, दिल्ली की बात यहां पर हो गई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है मिजोरम, ओडिशा, बिहार, आसाम या वेस्ट बंगाल। दीजिए जल्दी से जवाब इस सवाल का भाई, मिजोरम, ओडिशा, बिहार, आसाम या वेस्ट बंगाल में सही जवाब क्या है? गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? बिहार, बहुत बढ़िया। आप कहां से हो? दो लोग कह रहे हैं बिहार, भाई दो लोग बताइए जल्दी से, आप लोग कहां से हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप दोनों लोग, दीपक एंड पायल? चलिए जवाब देख ले सवाल का, ये रहा इस सवाल का सही जवाब स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट बिहार इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पायल इज फ्रॉम एमपी एंड दीपक झा इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, ओके। गया एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बोधगया एयरपोर्ट, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सर्व कर रहा है गया, बिहार, इंडिया को, है ना। तो गया बिहार में स्थापित है, और गया जो है स्पेशली बोधगया वो बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर जो भगवान बुद्ध है उनको एनलाइटमेंट मिला था, है ना। तो आशा है कि जो भी लोग यहां पहुंचेगा उसे भी एनलाइटमेंट मिलेगा, और आप में से भी जो लोग यहां आए उसे भी एनलाइटमेंट मिले, यही है वो प्रार्थना भगवान बुद्ध से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी? कि भाई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी किस स्टेट में
किस सिटी में लोकेटेड है? ले, शिलोंग, देहरादून, शिमला या ऐजवाल? क्या पूछा गया है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये किस सिटी में लोकेटेड है? चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा है ले, तो ले की बात कर लेते हैं भाई। कोई और है, स्किप कर दे। नहीं, स्किप नहीं करिए, हम आंसर बताते हैं। देहरादून है सवाल का सही जवाब। किधर? देहरादून, उत्तराखंड। बेस्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड एएमपी। भाई साहब, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इन्वेस्टिगेटेड एंड कैटराइज द गैस एमिशन फ्रॉम हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स, फाउंड दैट दिस स्प्रिंग्स विच कवर अबाउट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालय, शो अ सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो गर्म पानी आती है ना धरती के नीचे से, जो स्प्रिंग्स है वो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण ही गर्म होकर आती है साथ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। द पापम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो पापम रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई इस सवाल का जवाब बताना है आपको, अदरवाइज कुछ ही सेकेंड में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। चलिए देख लेते हैं सवाल का सही जवाब आपकी तरफ से। चलिए गुजरात कहा जा रहा है भाई, और दीपक जी कह रहे सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जवाब देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है इस सवाल का। एक स्टडी बताया गया है कि स्टडी हैज फ्लैग्ड अ हाई रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन इन पापम रिजर्व विलेज फॉरेस्ट, सॉरी, अ मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश। पापम रिजर्व फॉरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज लोकेटेड बिटवीन टू IBAs, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। पापम रिजर्व फॉरेस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द साइट इज कवर्ड बाय सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। वन द हायर एरियाज आर अंडर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट कवर, पापम रिजर्व RF है ना, रिजर्व फॉरेस्ट इज अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर 3 स्पीशीज ऑफ द लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल, ग्रेट रेड एंड ओरिएंटल पाइड, 862 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया है उसका 862 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल है, मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कि मोलेम नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात या असम। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात या असम। मोलेम नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? चलिए जवाब देख ले सवाल का, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं गोवा, पायल सिंह गोवा। चलिए दीपक जी का जवाब सुन लेते हैं भाई। दीपक जी बताइए जल्दी से, फिर हम बताते हैं आपको सवाल का जवाब। चलिए कोई बात नहीं, जवाब ये रहा गोवा। बिल्कुल सही कहा है पायल ने, द मोलेम नेशनल पार्क जो है गोवा, बिल्कुल मोलेम नेशनल पार्क जो है वो गोवा में ही लोकेटेड है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लोकेटेड? भाई साहब हेडक्वार्टर किसका पूछा गया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो चलिए देख ले क्या इस सवाल का सही जवाब। लेकिन उससे पहले ये है आपके पास ऑप्शंस, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। दीपक जा कर स्किप कर लेते हैं वाला क्वेश्चन। अच्छा पायल आप बताइए, यस आई विल टेल मी आंसर और वी शुड स्किप। पुणे कह रही है, अच्छा ये रहा सवाल का सही जवाब, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DPP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD। देर आर 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर द एजिस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए जवाब देख ले इस सवाल का, देख लिया हमने। और जो है कुछ एक और चीजें बता दें आपको, इसे 1712 में एस्टैब्लिश किया गया था। कब? 1712 में एस्टैब्लिश किया गया था। की पीपल रहे थे हरिमोहन, हरिमोहन जो है वो डायरेक्टर जनरल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड चेयरमैन OFB। ठीक है,
चलिए, सब्सिडरीज है इसके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक और विपुल वैरायटी स्टोर्स, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक जो है वो इसका सब्सिडरी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। गोरुमारा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, क्या कह रहे हैं? वेरी टफ क्वेश्चन, नहीं नहीं टफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इसीलिए आपके साथ ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या मध्य प्रदेश? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या मध्य प्रदेश? तो भाई जवाब देना है आपको इस सवाल का, गोरुमारा नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है। हाँ जी, क्या पूछा गया आपसे? गोरुमारा नेशनल पार्क का जवाब बताइए जल्दी से। कर्नाटक कह रही है पायल, यस, एनीवन एल्स? गोरुमारा नेशनल पार्क जो है वो कहां लोकेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल का सही जवाब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल, द गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड वेस्ट बंगाल, भाई वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका नहीं। ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया गया है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में, ठीक है, 1949 में स्टैब्लिश किया गया था इसे, और ये कहां है? वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, असोला भट्टी, द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या गोवा? ऑप्शंस दिए गए हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या गोवा, जवाब बताना है इस सवाल का। चलिए इस सवाल का जवाब देख ले, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट दिल्ली, द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। अगला सवाल, गंगोत्री, सर आरआरबी पीओ मेंस में ये सब क्वेश्चंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, और साथ ही साथ और भी जो कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ के मेंस वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उन्हीं के लिए तो डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम स्टैटिक वाला पोर्शन मिस कर जाते हैं, और स्टैटिक वाला पोर्शन रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिक के पोर्शन की बात करें तो ये वही पोर्शन है जो आपको एग्जाम पूछे जाने हैं, क्योंकि कारण ये है कि ये स्टैटिक पोर्शन जब भी पूछा जाता है तो वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, जो करंट अफेयर्स में कोई भी नाम आए उससे रिलेटेड होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सारे का सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स है, और ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर, उत्तराखंड, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। वुली फ्लाइंग स्क्विरल दैट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट सम 70 इयर्स बैक वाज स्पॉटेड एट गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड उत्तरकाशी एज इन्फॉर्म्ड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली, ठीक है। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, उत्तराखंड सही जवाब। अगला सवाल देख लीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU लोकेटेड? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, लंदन, वियना, जेनेवा, पेरिस? न्यूयॉर्क, लंदन, वियना, जेनेवा, पेरिस। भाई इस सवाल का सही जवाब बताना है आपको जल्दी से, क्या है इस सवाल का सही जवाब? दीपक जी कह रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर, यस पायल, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल, आपके अनुसार क्या है? चलिए जवाब देखते हैं इस सवाल का, ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट पेरिस, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU लोकेटेड एट पेरिस फ्रांस एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट ड्वार्फ प्लैनेट सेरस रिपोर्टेडली हैज सॉल्टी वाटर अंडरग्राउंड डॉन 2007 to 2018 वॉज अ मिशन टू द
two most massive bodies in the main asteroid belt, Vesta and Ceres. According to the International Astronomical Union, which sets definition for the planetary science, a dwarf planet is a celestial body that orbits the Sun, has enough mass to assume a nearly round shape, has not declared the neighborhood around its orbit, and is not a moon. The first five recognized dwarf planets are Ceres, Pluto, Eris, Makemake, and Haumea. ठीक है, चलिए जवाब दे दिया. सॉरी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट भाई, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए. श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन स्टेट, कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस स्टेट में लोकेटेड है, पंजाब, असम, बिहार, उड़ीसा या झारखंड. पंजाब, असम, बिहार, उड़ीसा या झारखंड. जवाब दिया जाए आपको सवाल का, या आप दे रहे सवाल का जवाब बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का सही जवाब, ताकि आगे बढ़ सके और देख सके अगला सवाल. दीपक जी कह रहे नंबर टू इज द करेक्ट आंसर. यस पायल, क्या है सवाल का सही जवाब, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आगे बढ़िए. चलिए, इस सवाल का जवाब ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट पंजाब इज द करेक्ट आंसर. पंजाब सही जवाब है इस सवाल का. इन अकॉर्डेंस विद द सेंटर्स डिसीजन टू प्लांट 2000 सैपलिंग्स इन एवरी एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, जुलाई 2020 में इसकी बात कही गई थी. द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ पर्सनल संडे प्लांटेड अराउंड 250 सैपलिंग्स एट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अमृतसर, पंजाब. ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, दैट इज व्हाट खूंटाघाट डैम वाज लोकेटेड इन विच स्टेट. ये खूंटाघाट डैम किस स्टेट में लोकेटेड है, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या गुजरात. है ना, ये पूछा गया आपसे, ये खूंटाघाट डैम किस स्टेट में लोकेटेड है. ऑप्शंस आर पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या गुजरात. चलिए जवाब देखिए इस सवाल का, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट छत्तीसगढ़. इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ऑन August 17, 2020 रेस्क्यूड अ मैन हु वाज स्ट्रैंडेड एट खूंटाघाट डैम ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ वाटर नियर छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास खूंटाघाट डैम में एक आदमी जो है वो पानी में बहता हुआ पाया गया, और वहां पे वो एक हेवी वाटर फ्लो में कुछ चीजें पकड़कर खड़ा था, है ना, तो उसको रेस्क्यू करा गया वहां पे. अगला सवाल आपके सामने, सरखेज रोजा मॉन्यूमेंट विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, गुजरात, नागालैंड, लद्दाख, दिल्ली या गोवा. गुजरात, नागालैंड, दिल्ली, लद्दाख या गोवा. भाई इस सवाल का जवाब बताए आपको जल्दी से, या आप बताओगे मुझे जल्दी से.
चलिए जवाब दे सवाल का। सरखेज रोजा मॉन्यूमेंट विच इज इन न्यू रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट और इन टेरिटरी, ये पूछा गया है आपसे, तो भाई जवाब देना है। दीपक जी कह रहे सी, पायल सिंह गुजरात, मदरसा सिंह वन, यस जवाब देख लीजिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एंड यस इन अ डेवलपमेंट दैट केम एज सरप्राइज फॉर मेनी लोकल हिस्ट्री एफिसियोनाडोस एंड फिलैटिलिस्ट्स, द हिस्टोरिक सरखेज रोजा मॉन्यूमेंट अहमदाबाद गुजरात फाउंड अ प्लेस इन द फाइव स्टैंप सेट रिलीज्ड बाय इंडिया पोस्ट ऑन ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे, द सेट थीम्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 3, ऑल्सो द चर्च ऑफ बॉम जीसस इन गोवा, मॉन्यूमेंट्स एट पत्तडकल, जावरी टेम्पल एट खजुराहो एंड कुतुब मीनार। ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, दैट इज वॉट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, वियना, हेलसिंकी, मैड्रिड, बुडापेस्ट, ब्रसेल्स, इनमें सही जवाब क्या है ये बताना है आपको। वियना, हेलसिंकी, मैड्रिड, बुडापेस्ट, ब्रसेल्स, जवाब देख ले इस सवाल का आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। दीपक झा कह रहे ई इज द करेक्ट आंसर, यस एनीवन एल्स, कोई और जवाब दे रहे सवाल का, पाल इज सेइंग वन, चलिए जवाब देख लेते हैं ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट ब्रसेल्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट ब्रसेल्स बेल्जियम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट हु हेड्स द कमिटी constituted for considering guidelines for transfer of central bank's surplus funds to government, options are SS Mundra, Usha Thorat, Vimal Jalan, Tapan Rai and none of the above, kya hai option, सही ऑप्शन रहेगा एस एस मुंद्रा, उषा थोराट, विमल जलान, तपन राय, नॉन ऑफ द अबव, भाई साहब सब लोग कह रहे हैं, मुनासा ई कह रही है भाई यहाँ पे, मुनासा फाइव कह रही है, दीपक जावी डी कह रहे हैं, यस कौन सा सवाल जवाब दे रहे हैं सब लोग, चलिए दीपक जा ने तो डी कहा है, तपन राय है ना, एनीवन एल्स भाई, और भी कोई जवाब दे रहे सवाल का, मुनासा सही ऑल्सो डी, यस हु एल्स इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, चलिए जवाब ये रहा इस सवाल का, बिमल जलान इज द करेक्ट आंसर, बिमल जलान कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, आरबीआई डिड नॉट पे एनी इंटरिम डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 2020। ठीक है इस सवाल का जवाब था नंबर थ्री बिमल जलान। ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, दैट इज हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, किसके एमडी और सीईओ बारे पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑप्शन दिया गया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, विक्रम लिमाय, दिनेश कानावार या नावेद मसूद या शक्तिकांत दास, मुलाजेकारी नंबर फोर यानी नावेद मसूद, दीपक झा कह रहे नंबर बी यानी कि विक्रम लिमाय, बहुत बढ़िया, कोई तो और है जो जवाब दे पायल, यस क्या है सवाल सही जवाब, चलिए जवाब दिया जाए सवाल का, दैट इज व्हाट, बिल्कुल सही बात है कि इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो यस ऑब्वियसली ही इज मिस्टर विक्रम लिमाय, विक्रम लिमाय is the present MD and CEO of National Stock Exchange. अब National Stock Exchange की बात आई है तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि भाई National Stock Exchange का हेडक्वार्टर कहां स्थित है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? इससे जल्दी से आइए मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आइए एक बार। एनीवन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है ये बताइए मुझे जल्दी से। बहुत बढ़िया दीपक जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इट्स द मुंबई ऑल ओवर इंडिया, है ना। चलिए, और साथ ही साथ बता दें आपको कि इसकी ओनर कौन है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसके इंडेक्सेस जो है वो याद रखने हैं आपको। इसके इंडेक्सेस का नाम है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500। जैसा कि आप जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स और जो है एनएसई का निफ्टी 50 निफ्टी, ये दोनों ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं और इनके ऊपर पूरे बाजार की स्थिति भारत में डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, जो जो लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे सब लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू डेवलप बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन अराउंड 100 एकर्स इन कसान इन अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, तो भाई साहब मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र, इस सवाल का जवाब बताना है आपको। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्लान किया है टू डेवलप बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन अराउंड 100 एकर्स इन कसान इन द अरावली माउंटेन रेंज। ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो जवाब दिया जाए आपको इस सवाल का, दीपक झा नंबर सी दे रहे जवाब, राजस्थान है ना। और कोई जो सवाल का जवाब दे सके है हमारे साथ इस सेशन में, who could answer the question right now except दीपक झा, पायल, मोनालिसा कहां, महाराष्ट्र कह रही पायल और दीपक जी नंबर सी यानी राजस्थान कह रहे हैं। चलिए मोनालिसा आप क्या कह रही है, चलिए चलते हैं देखते हैं सवाल का सही जवाब आपके सामने ये रहा, दैट इज व्हाट, हरियाणा, हरियाणा है सवाल का सही जवाब। अ बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी डेवलप्ड ऑन अबाउट 100 एकर्स इन अरावली माउंटेन रेंज एट गुड़गांव कसान विलेज, हरियाणा फॉरेस्ट एंड टूरिज्म मिनिस्टर कंवर पाल अनाउंस्ड रिसेंटली। ठीक है, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, दोनों का इनकरेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या गुजरात, ये पूछा गया है आपसे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। भाई साहब क्या हो गया, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, स्टैटिक का ट्रिकी होता ही नहीं, स्टैटिक का क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, वो या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, अगर आता है तो नॉर्मल सिंपल भाई अच्छा है बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो, ये क्वेश्चंस ही ऐसे ही होते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, तो राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या गुजरात, इस सवाल का जवाब बताइएगा जल्दी से। तो इस सवाल का जवाब यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैव फिनिश्ड देयर 8-डे लॉन्ग अरिबाला और नेस्टिंग ऑन नासी 1 एंड नासी 2 आइलैंड्स एट द गहीरमथा मरीन सेंचुरी इन उड़ीसा। अराउंड 4,07,194 turtles laid eggs from 14 to 21st March 2020 in the sanctuary that is known as the world's largest rookery of sea turtles in is located within the Bhitarkanika National Park in
केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए जवाब देख लिया आप लोगों ने सवाल का, बिल्कुल सही जवाब दिया था आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल देखा जाए, इस सवाल का जवाब है ये, और फिर अगला सवाल है ये, ब्लू बे मरीन पार्क विच इज ए न्यूज रिसेंटली, एक्चुअली विच वॉज ए न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड विच कंट्री, वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन आर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया, तो जवाब बताना है आपको, एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जवाब देख लें, ये रहा आपके सामने इस सवाल का सही जवाब, मॉरिशस। अ जापानीज बॉक कैरियर शिप एमवी वॉकर शिप विच वॉज कैरिंग फ्यूल वेल हैज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स नियर ब्लू बे मरीन पार्क इन न्यू ईस्ट मॉरिशस। द शिप वॉज ऑलरेडी लीकिंग एंड हैज कॉज एन ऑयल स्पिल ऑफ ओवर 1000 टन्स इन द इंडियन ओशन। द वेसल हैज ब्रोकन नियर पॉइंट डेजिनी इन मॉरिशस एंड द एरिया हैज मेनी एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स। चलिए बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। यस कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंद्रावती नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, इन सवालों के जवाब देने हैं आपको, जल्दी से बताइएगा ये सवाल जो हमने पूछा है उस सवाल का सही जवाब कि इंद्रावती नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है। चलिए जवाब देखते हैं इस सवाल का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने इस सवाल का सही जवाब, दैट इज व्हाट नंबर वन, छत्तीसगढ़। कि द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो कहां लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये जवाब हमने देख लिया है और चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल की कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, उत्तराखंड राज्यसभा, कर्नाटका राज्यसभा, मध्य प्रदेश राज्यसभा, गुजरात राज्यसभा या महाराष्ट्र राज्यसभा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल, इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। दीपक जी कह रहे नंबर फोर, भाई साहब गुजरात, गुजरात कह रहे हैं, अच्छा गुजरात से राज्यसभा से ये, अच्छा अच्छा और कोई, चलिए जवाब देते हैं सवाल का, ये रहा आप स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राज्यसभा से ये, द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ यूनियन मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इज महाराष्ट्र राज्यसभा। ठीक है, चलिए जवाब देख लिया आप लोगों ने, पायल ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, दीपक जी और मुलानिसा ने सही जवाब नहीं दिया था इस सवाल का, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या। अगला सवाल दैट इज व्हाट डेथ वैली नेशनल पार्क, डेथ वैली नेशनल पार्क विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कि जो डेथ वैली नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स। साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स, जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब। पायल कह रही है साउथ अफ्रीका, एनीवन एल्स, मुरालिसा ने भी कहा है साउथ अफ्रीका। अच्छा इस सवाल का जवाब यह रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट वर्ड यूनाइटेड स्टेट्स का करेक्ट आंसर। डेथ वैली यूएसए रजिस्टर्ड अ टेंपरेचर ऑफ 54.4 डिग्री सेल्सियस। कि जो यूएसए की डेथ वैली है उसने रजिस्टर किया इस बार, इस साल 54.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर
which once verified could be the highest temperature in more than a century. The temperature was recorded at the USA National Weather Service's automated weather condition station at Furnace Creek on 16th August 2020. The Death Valley in Southern California is the lowest point in the North American continent and is a national park. It is also the hottest and the driest part of the continent. According to the World Meteorological Organization WMO, Death Valley's all-time record high is 56.7 degrees Celsius, taken on 10th July 1913 at Greenland Ranch. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. ये रहा आप स्क्रीन पे आपके सामने कि which is the national river of India? इंडिया का नेशनल रिवर किसे कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गंगे, हुगली या झेलम? कृष्णा, कावेरी, गैंजेस, हुगली या झेलम? Which among the following? बिल्कुल बिल्कुल सब मिलेगा दीपक जी, थोड़े से इंतजार कीजिए, सारे क्वेश्चन हैं यहां पे. सी इज द करेक्ट आंसर, गैंजेस इज द करेक्ट आंसर, यही कह रहे ना. चलिए और कोई जवाब दे रहे हैं सवाल का? दीपक जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सारे क्वेश्चन हैं. आपके आने से पहले कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे उसके आपके कंट्री कैपिटल करेंसी वाले, लेकिन फिलहाल अभी आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन है करंटी और करेंसी के ऊपर में. ठीक है, चलिए जवाब दे रहे हैं इस सवाल का. ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, दैट इज गैंजेस. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज ऑब्जर्व दैट द पॉल्यूटेंट्स आर स्टिल बीइंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर गंगा डिस्पाइट सेवरल डायरेक्शंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स. द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल have failed in preventing discharge of untreated effluents in the violation of provisions of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Ganga was declared as the national river of India in 2008. Pollution free environment is the constitutional right of every citizen and constitutional obligation of states. So Ganges jo hai, Ganges is the right answer. Aur agla sawal aapki screen par. Modak Sagar Lake kis state mein located hai? Modak Sagar, असम, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? असम, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? क्या है इस सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब देख ले इस सवाल का. दीपक जी का नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. हाँ जी मोनाली साहब पायल, क्या है इस सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब दे इस सवाल का. ये रहा आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. मोदक सागर महाराष्ट्र, वन ऑफ द सेवन रिजर्वायर्स व्हिच सप्लाई वाटर टू द मेट्रोपोलिस, स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग इन अगस्त 2020, आफ्टर विच द बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन अ गेट ऑफ मोदक सागर डैम. ये मोदक सागर डैम के ऊपर से पानी बहने लग गया था, इसीलिए अब मोदक सागर डैम का गेट बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के द्वारा खोल दिया गया था. बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने. फर्मी स्पेस टेलीस्कोप इज द टेलीस्कोप ऑपरेटेड बाय विच स्पेस एजेंसी? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जागजा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, सेंटर नेशनल डेट्यूज डेस पैटियालेस CNES, या फिर इंडियन नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर चाइना नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन CNES. दीपक जाकर स्किप, ये जवाब नहीं देंगे. पायल और मुरारी सा जवाब देंगे आप दोनों में से कोई इस सवाल का. चलिए जवाब दे इस सवाल का. नासा कह रहे हैं भाई दीपक जी और पायल दोनों लोग. आंसर देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा. एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स यूजिंग डेटा फ्रॉम आरएससीवो ऑब्जर्वेटरी एंड फर्मी स्पेस टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप हैव डिस्कवर्ड दैट
what they call a gamma ray heartbeat. Cost coming from a cosmic gas cloud. The cloud is in the constellation Aquila and beats in rhythm with a black hole 100 light years away is a microcursor system known as SS-433. Results were published in the Journal of Nature Astronomy. Fermi Gamma Ray Space Telescope is observed by National Aeronautics and Space Administration, NASA. और सवाल जवाब जारी है लगातार. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा. बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब या छत्तीसगढ़. भाई सवाल का जवाब देना है आपको, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब. आपसे मिलता हूं वापस केवल 2 मिनट में. जी ये जो है वो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है. बस थोड़ा थोड़ा समय के साथ साथ उसको पढ़ते रहिए. करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिकली करंट अफेयर्स को ज्यादा करिए, थोड़ा कम उससे स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा करिए और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए. मतलब करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इसको पढ़िएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप. ठीक है,
मेरे साथ पूरा सेशन कर लो लगातार, बहुत सारी चीजें हैं आपको अगस्त से लेकर के जनवरी तक का सारा सेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा, वो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगा। ठीक है मुरली साहब, अभी आप नासा पे ही हो, हम लोग नासा से काफी आगे बढ़ गए भाई साहब, हम लोग बेतला नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं मुरली साहब, हम लोग बेतला नेशनल पार्क आ गए हैं, अभी तक आप जो है नासा में ही हो, थोड़ा आगे आ जाइए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब देख लेते हैं जो कि आपके सामने ये रहा, दैट इज व्हाट झारखंड कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहां है। तो एक नेशनल पार्क है जो कि झारखंड में, जो कि एक छोटा नागपुर प्लेटो के ऊपर एस्टेब्लिश है, वो वहां पे है भाई, इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है इन इंडिया। द पार्क होस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहां वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। एयरक्राफ्ट भेज दीजिए सर, कहां भेज दे एयरक्राफ्ट भाई साहब, दीपक जी कहां भेज दे एयरक्राफ्ट बताइए। हाँ जी, तो झारखंड है इस सवाल का सही जवाब, देख लीजिए। और मेरा भी जो स्टेट है भाई, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू इज झारखंड, और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एंतानानारिवो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। चलिए दीपक जी आपका सवाल आ गया, दीपक जी आपका सवाल आ गया, जवाब दे जल्दी से इस सवाल का कि एंतानानारिवो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, ये किस सिटी का, किस कंट्री का कैपिटल सिटी है। बहुत देर से आप इंतजार करते हैं कि सर कोई क्वेश्चन दीजिए हमें जो कैपिटल करेंसी से हो। बताइए पायल जवाब। अरे मुरली साहब आप अभी झारखंड में ही हो, आगे बढ़ो, आगे आगे आ जाओ आगे। मैडागास्कर, मोजाम्बिक, कोमोरोस, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। दीपक जी ने जवाब नहीं दिया है अभी तक, दीपक जवाब देंगे, आपके लिए है सवाल। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूं आपके लिए इस सवाल का सही जवाब जो कि है रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, मैडागास्कर। द फर्स्ट एवर फ्लाइट फ्रॉम एंतानानारिवो कैपिटल ऑफ मैडागास्कर टू मुंबई, एयर मैडागास्कर विल बी इवैक्यूएटिंग 61 इंडियंस स्ट्रैंडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक and to bring back about 160 Malagasy citizens from India। ठीक है चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, Where is the headquarter of Universal Sompo General Insurance Company Limited? Universal Sompo General Insurance Company located, भाई हेडक्वार्टर कहां है इसका, नोएडा, न्यू दिल्ली, मुंबई, पटना या कोलकाता। भाई नोएडा, न्यू दिल्ली, मुंबई, पटना या कोलकाता, ये है इस सवाल का सही जवाब, बताइए जल्दी से मुझे। चलिए जवाब दिया जाए इस सवाल का, तो ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब पायल दे रही हैं, नोएडा कह रही हैं, यस। बाकी लोग बता रहे हैं मेरे को जल्दी से, अदरवाइज मैं ही बता दूं आपके सवाल का सही जवाब। चलिए इस सवाल का सही जवाब है ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, मुंबई, मुंबई इज द करेक्ट आंसर, यस। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया, जापान, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्प एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस इंक्लूसिव हेडक्वार्टर्स, इन सब का मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है चलिए अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर आपके सामने, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली। दीपक जी आपके लिए सवाल कि माली का कैपिटल क्या है, दकार, बमाको, नोकाचोट, लीमा या माली। बाकी लोग भी जवाब दें भाई साहब, दीपक जी काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे कि सर करेंसी कैपिटल से सवाल पूछिए हमसे, हमने भी पूछ लिया है, जवाब दीजिए आप। चलिए जवाब दिया जाए इस सवाल का, जल्दी से बताइए, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल। बमाको कह रही हैं पायल और दीपक जी, जवाब देंगे मुनरिसा,
आप हो हमारे साथ। चलिए जवाब दे सवाल का। दीपक जी नहीं जवाब देंगे सवाल का, स्किप कर लो दीपक जी। चलिए सवाल का जवाब यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट वर्ड बमाको द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माली आर बमाको एंड वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक रेस्पेक्टिवली। नाम याद रखिएगा, बमाको और अफ्रीकन फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, है ना। तो ये है इन दोनों का इसका कैपिटल और करेंसी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट सलाल डैम इज बिल्ट ओवर विच रिवर। सलाल डैम किस रिवर बना है, बीज रावि सतलज चिनाब या इंदस। बीज रावि सतलज चिनाब या इंदस। सवाल का जवाब बताना है आपको, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब। यस, हु आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ। कोई और है जो जवाब दे इस सवाल का, तो भाई साहब बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। कौन से लोग हैं जो जवाब दे रहे इस सवाल का, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। यस, चलिए जवाब देख ले इस सवाल का। ये रहा आप स्क्रीन पर, बीज करिए पहल चेनाब इस सवाल का सही जवाब। दैट इज व्हाट एन अलर्ट वाज इशूड एट सलाल पावर स्टेशन ऑन 20th अगस्त अहेड ऑफ द ओपनिंग ऑफ डैम गेट्स आस्किंग पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम चेनाब रिवर बैंक्स एज वाटर लेवल वर लाइकली टू राइज एंड अफेक्ट जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट। अगला सवाल देखें, चलिए ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। द ऑप्शंस आर व्लादिमीर नोरोव, जुराव पोलो लिखाश्विली, क्यू डोंगियो या टेड्रोस एधेनोम या गाय राइडर। भाई साहब जवाब देना इस सवाल का, बिल्कुल जवाब दीजिए इस सवाल का। क्या है कि भाई प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, व्लादिमीर नोरोव, जुराव पोलो लिखाश्विली, क्यू डोंगियो, टेड्रोस एधेनोम या गाय राइडर। या पायल इज गिवन आंसर, पायल इज गिवन आंसर नंबर 4, टेड्रोस एधेनोम। जवाब देखिए इस सवाल का, यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट गाय राइडर। द गाय राइडर इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। चलिए इस जवाब के बाद अगला सवाल, जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल, आज ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एनटीपीसी कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। की ये एनटीपीसी कुडगी सुपर पावर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां लोकेटेड है, मतलब किस स्टेट में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक है झारखंड। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक है झारखंड। तो भाई इस सवाल का जवाब, आगे चलेंगे और देखेंगे इस सवाल का सही जवाब। दैट इज व्हाट हियर ऑन योर स्क्रीन, कर्नाटक है इस सवाल का सही जवाब। केएनटीपीसी इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, वुड बी एबल टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोल टू फ्यूल टू इट्स एनटीपीसी कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इन कर्नाटक टू अराउंड रुपीज 200 to 500 पर मेट्रिक टन एमटी, देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द ट्रांजिट टाइम विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई 8 to 15 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया पायलट ने, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल भी देख ले जो कि आपके लिए है यहां पर इस स्क्रीन पर। कालापानी वैली, कालापानी वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कालापानी वैली किस स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या उत्तराखंड। क्या है सवाल का सही जवाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या उत्तराखंड। कालापानी वैली किस स्टेट में लोकेटेड है, चलिए जवाब देखिए सवाल का। यह रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब दिया है पायल ने। चाइना हैज इंक्रीज्ड इट्स ट्रूप डिप्लॉयमेंट नियर लिपू लेक, द प्लेस दैट बिकम्स अ ट्रिगर फॉर स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड काठमांडू। लिपू लेक इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, सिचुएटेड अटॉप द कालापानी वैली इन उत्तराखंड। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इसके बाद जल्दी ही, ये देखिए
लिंगराज टेम्पल विच इज इन न्यूज रिसेंटली, विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? लिंगराज टेम्पल कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो जवाब बताना है आपको इस सवाल का। यस, बताइए सवाल का सही जवाब। मुंबई बता रही है मोनालिसा, बहुत बढ़िया। मुंबई का तो ऑप्शन है ही नहीं यहां पे। बिहार, पायल गए बिहार, तो जवाब यह रहा आपके स्क्रीन पर, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अ फेसलिफ्ट टू द 11th सेंचुरी लिंगराज टेंपल अकिन टू इट्स प्री 350 ईयर स्ट्रक्चरल स्टेटस। This announcement has come despite the massive financial burden on the state economy in the wake of COVID-19 pandemic. The efforts will be to create a spiritual and ecological ambience in around the Lingaraj temple. The redevelopment plan of the peripheral area of temple known as Ekam Ravan Kshetra in Bhubaneswar has been approved. Further, the government is planning to a barrier-free एक्सेस बिटवीन द टेम्पल एंड बिंदु सागर लेक। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल ये रहा आप स्क्रीन पर आपके सामने। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी लोकेटेड? ऑप्शन सर, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई? क्या पूछा गया आपसे हेडक्वार्टर कहां स्थित है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का? सिडबी का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में या मुंबई में? तो भाई साहब जवाब बताइएगा इस सवाल का। बिहार कह रही पायल, मोनालिसा कह रही नंबर टू। भाई नंबर टू, मोनालिसा सही, साउथ बमाको, पायल लखनऊ, मोनालिसा नंबर टू। क्या क्या बोल रहे हो आप लोग यार, जल्दी से बताइए कहां कहां हैं आप लोग, बहुत पीछे लगे क्या? चलिए जवाब देख लेते इस सवाल का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां लोकेटेड है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का में, है ना? क्या पूछा गया था आपके बारे में, आपको सिडबी के बारे में, है ना? तो सिडबी जो है वो सिडबी को फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 को, और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। और साथ ही साथ बात करें तो इनके चेयरमैन और एमडी, एमडी और चेयरमैन कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह, नाम याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार सिंह, ठीक है। और सब्सिडरीज इसकी है बहुत सारी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, दैट इज व्हाट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? त्रिनिदाद और टोबैगो का कैपिटल क्या है? लॉजन, बुडापेस्ट, पोर्ट ऑफ स्पेन, मॉन्ट्रियल या बमाको? भाई साहब त्रिनिदाद और टोबैगो का कैपिटल क्या है? पायल करी पोर्ट ऑफ स्पेन, और मोनालिसा करी चेनाब। भाई साहब चेनाब तो यहां नहीं है कहीं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? लॉजन, बुडापेस्ट, पोर्ट ऑफ स्पेन, मॉन्ट्रियल या बमाको? तो भाई जवाब बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल का सही जवाब जो कि है आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इज द करेक्ट आंसर, यस। The capital and currency of Trinidad and Tobago are Port of Spain and Trinidad and Tobago dollar respectively. ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास, आपके स्क्रीन पर, आपके सामने। तीस्ता रिवर विच इज इन न्यूज रिसेंटली, विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ऑरिजिनेट्स इन विच स्टेट? ये किस स्टेट से ऑरिजिनेट करती है, कौन सी रिवर? तीस्ता, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा या असम? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा या असम? तो जवाब आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश इज लाइकली टू रिसीव इन ऑलमोस्ट US$1 billion लोन फ्रॉम चाइना
फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ द तीस्ता रिवर. द तीस्ता रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेंटियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड द डिस्कशन कम्स अमिड द ऑनगोइंग इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन लद्दाख. द तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नोन एज जमुना इन बांग्लादेश फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश. इट ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज नियर चुनतांग सिक्किम एंड फ्लोज टू द साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर एंट्रिंग बांग्लादेश. ठीक है, चलिए अगला सवाल बताएं आपको. ये रहा अगला सवाल का जवाब आपके सामने. इस सवाल है ICAR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी. चेन्नई, बेंगलुरु, कोचीन, हैदराबाद और या इनमें से कोई नहीं. भाई इस सवाल का जवाब आपने देख लिया है, गलती से मैंने पहले जवाब वाला ही स्लाइड आपके सामने रख दिया, फिर आपके सामने आया इस सवाल का स्लाइड. तो आशा है आपने इसका जवाब देख ही लिया होगा. तो जवाब दीजिए मुझे इस सवाल का जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपने अगले सवाल की ओर. एंड यस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हियर, दैट इज कोचीन. द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन केरलाज रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन द करेंट साइंस एंटाइटल्ड कैन सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स फ्रॉम सीवीड प्रोवाइड प्रोफिलेटिक प्रोफाइलैक्टिक एंड थेराप्यूटिक सॉल्यूशंस टू कोविड 19 पैंडेमिक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, दैट इज द श्री सैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर. जो श्री सैलम डैम है वो किस रिवर पर बनाया गया है. ऑप्शन आर महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी. भाई कोचीन जो है ये जवाब दिया जा रहा है पायल के द्वारा. पायल अगले सवाल पे आ चुके हैं हम लोग. महानदी रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी. सही जवाब बताना है आपको इस सवाल का. मोनालिसा करी नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नर्मदा. चलिए जवाब दें इस सवाल का. तो ये रहा आपके लिए इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, दैट इज कृष्णा रिवर. नंबर टू इज द करेक्ट आंसर. टू बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट वेयर अ मैसिव फायर ब्रोक आउट इनसाइड द श्रीसैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पावर हाउस ऑफ द श्रीसैलम रिजर्वायर. द श्रीसैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर. अगला सवाल आपके सामने ये रहा. चौरा चर्च which was in news recently is located in which country. Chora Church kis country mein located hai. Iraq, Kuwait, Iran, Turkey, United Arab Emirates. Jawab batana hai aapko is sawal ka. Kya hai is sawal ka sahi jawab? Iraq, Kuwait, Iran, Turkey ya United Arab Emirates. तो जवाब भी है रहा इस सवाल का आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, तुर्की. आफ्टर हजिया सोफिया टर्किश अथॉरिटीज इशूड अ न्यू प्रेसिडेंशियल डिक्री टू रीकन्वर्ट द बाइजेंटाइन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ द होली सेवरन चौरा इनटू अ मॉस्क. इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिक एरियाज ऑफ इस्तांबुल. यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है ये वर्ल्ड के लिए. ठीक है, और यही था और जो बाइजेंटाइन एम्पायर के समय में बाइजेंटाइन एम्पायर गढ़ हुआ करता था. फिर इस्लाम के लोग जब आए तो इस्लामिक जो पद्धति थी उसका गढ़ हुआ, और फिर धीरे धीरे बाद में इसे जो है घोषित कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां पर सब लोग घूमने के लिए आया करते थे. बिल्कुल सही बात है. बाद में इसे हजिया सोफिया का नाम दिया गया, और ये हजिया सोफिया नाम का जो ये चर्च है या मस्जिद है ना, चर्च या मॉस्क दोनों कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ समय तक सेम बिल्डिंग चर्च के तौर पर देखा गया, और साथ ही साथ कुछ समय ये जो है मॉस्क की तरह भी देखा गया. सर ये कितने घंटे की क्लास है? भाई क्लास तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लगभग इस सेशन में
500 स्लाइड्स हैं अपने पास, तो लगभग 250 क्वेश्चंस हो गए। और 250 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि कुछ भी नहीं होगा तो 3 से 3.5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें से हमने लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा कवर कर लिया है। अब मुश्किल से 1 घंटे और बचा हुआ अपना सेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहने वाला है अपनी स्क्रीन पर। दैट इज व्हाट, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन स्टेट। ये छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो जवाब देख रहे हैं इस सवाल का, बिल्कुल इस सवाल का जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, द छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी बिल्ट ऑन अ 200 acres एरिया नियर छुटका विलेज ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द साइट इज नियर कान्हा नेशनल पार्क, वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इन इंडिया। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। द्विजिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच स्टेट? भाई द्विजिंग फेस्टिवल जो है एनुअली किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, असम या छत्तीसगढ़। भाई इस सवाल का जवाब देखना है तो बिल्कुल देखा जाए इस सवाल का सही जवाब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, असम। द द्विजिंग फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेट ऑन द बैंक्स ऑफ आई मीनिंग मदर, आई एक्चुअली बैंक्स ऑफ आई मीनिंग मदर। द फेस्टिवल इज अ कलरफुल सेलिब्रेशन ऑफ असम्स कल्चर। द फोर्थ एडिशन ऑफ द द्विजिंग फेस्टिवल वॉज ग्रेस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्व शर्मा एंड अदर एमिनेंट डिग्निटरीज। द अवार्ड विनिंग फोर्थ एडिशन ऑफ द्विजिंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाई द द्विजिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म चंदन ब्रह्म एंड इन एसोसिएशन विद असम टूरिज्म एंड बोडोलैंड टूरिज्म। द फेस्टिवल हैज वन 5 awards एट वाव अवार्ड्स एशिया 2020। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख रहे हैं आपके सामने, ये आ रहा है। दैट इज व्हाट, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? न्यू गिनिया, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, मेडागास्कर या बफिन? इनमें से सही जवाब क्या है भाई? कौन सा आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है? तो जवाब देख लीजिए, बता दें आपको, ये रहा ग्रीनलैंड। तो भाई ग्रीनलैंड लॉस्ट अ रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ आइस ड्यूरिंग एन एक्स्ट्रा वार्म 2019 विद द मेल्ट और मासिव इनफ टू कवर कैलिफोर्निया इन मोर देन 4 feet ऑफ वाटर। अ न्यू स्टडी सेड आफ्टर 2 long years व्हेन समर आइस मेल्ट हैड बीन मिनिमल लास्ट समर शैटर्ड ऑल रिकॉर्ड्स विद 582 billion metric tons of ice melting according to satellite measurements reported in a study last year. Greenland melt added 1.5 millimeters to sea global sea level rise. क्या कह रहे हैं? पूरे ग्लोब में सी का लेवल लगभग 1.5 मिलीमीटर ऊपर आ गया है। अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो अगले 30 सालों के अंदर में बहुत सारे देश डूब जाएंगे पानी के अंदर, यानी वो देश खत्म हो जाएंगे और वो दोबारा कभी बाहर नहीं आएंगे जो परिस्थिति है। द ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और जो ग्रीनलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI विच इज इन डिस्कशन रिसेंटली विल हैव इंडिया एंड जापान अलॉन्ग विथ विच कंट्री? ऑप्शन आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, जर्मनी। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ कोरिया या जर्मनी? भाई जवाब देना है आपको इस सवाल का। पायल कैरी नंबर 4, साउथ कोरिया। चलिए द ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बिगन इन डिस्ट्रक्शंस ऑन लॉन्चिंग अ ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना नेसेसिटेटेड बाय बीजिंग्स अग्रेसिव पॉलिटिकल मिलिट्री बिहेवियर। द इनिशिएटिव फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जापान इज नाउ टेकिंग शेप। ईटी हैज लर्न्ड।
डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट टू होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ थ्री कंट्रीज विल बी अनाउंस सून. ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने. वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान लोकेटेड. सेक्रेटरीट कहां लोकेटेड है आसियान का? नैपिटाओ, वियंटीन, जकार्ता, सिंगापुर सिटी या बैंकॉक. तो जवाब आपको देना है इस सवाल का, ये रहा आपके स्क्रीन पर इस सवाल का सही जवाब. जकार्ता इज द करेक्ट आंसर. कि द आसियान सेक्रेटरीट वॉज सेट अप इन फरवरी 1976 बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ आसियान. इट वॉज देन हाउस्ड एट द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडोनेशिया इन जकार्ता. ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक लिमिटेड. आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली या मुंबई. तो जवाब बहुत जरूरी, क्या जवाब दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है यहां पे भाई? तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं, ये तो लखनऊ है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है. इनमें से जवाब देना है भाई. ऑस्ट्रेलिया वाला जवाब तो शायद क्वेश्चन उस क्वेश्चन से आगे बढ़ गए हम लोग. नेट की स्थिति लगता है आज ठीक नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, जवाब हम देख लेते हैं. ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुंबई इज द करेक्ट आंसर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र. अगला सवाल, पाहुज डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. पाहुज डैम किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना. भाई क्या पूछा गया है जवाब, जल्दी से बताइए इस सवाल का. पाहुज डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना. ठीक है, चलिए अगला सवाल आने से पहले इस सवाल का जवाब देखना है, जो कि ये रहा अपने स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश साइन एग्रीमेंट विद द इजराइल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडो इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट. The Pahuj Dam Reservoir in Jhansi will be used for the integrated drip irrigation along with the service of the exports of Israel. ठीक है, अपना सेशन जो है वो अब और 15 मिनट से 20 मिनट चलने वाला है. ठीक है, चलिए जो लोग हैं बन रहेगा मेरे साथ इस सेशन. ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. जोजिला टनल इज लोकेटेड विच सिटी और स्टेट. जोजिला टनल जो है कुछ स्टेट, किस स्टेट या टेरिटरी में लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बोथ 1 and 2 या बोथ 2 and 3. भाई जवाब देखना है सवाल का. चलिए इस सवाल का जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, बोथ 1 and 2. सेंटर है शॉर्ट लिस्टेड 3 फॉर्म्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जोजिला टनल इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आउट ऑफ विच हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL हैज इमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर फॉर द टेंडर एंड इज लाइकली टू बी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट. जोजिला टनल प्रोजेक्ट होल्ड्स स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस एज द जोजिला पास लोकेटेड ऑन द श्रीनगर कारगिल ले हाईवे. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया पायल, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. अगला सवाल ये रहा आपने स्क्रीन पर कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर. जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, वो किस नदी के ऊपर अवस्थित है? गैंजेस, चेनाब, रावी, बियर्स या ब्रह्मपुत्र. ये पूछा गया है आपसे कि गंगा, चेनाब, रावी, बियर्स या ब्रह्मपुत्र, इनमें से किस नदी के ऊपर बनाया गया है ये वाला ब्रिज? चलिए देखिए सवाल का सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, दैट इज व्हाट, चेनाब.
construction of the world's highest railway bridge being built across the Chenab River in the Riyasi district is underway and is set to be completed by January next year. ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। Humayun's tomb is located in which state or union territory? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख या असम? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख या असम? इस सवाल का जवाब पूछा जाना है आपसे, जवाब बताइएगा इस सवाल का। Humayun's tomb is located in which state or union territory? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख या असम? भाई साहब जवाब देखना है इस सवाल का, कौन से लोग हैं मेरे साथ? दिल्ली जवाब दे रही पायल। यस, सवाल का जवाब ये देख लीजिए, ये रहा आपके सामने दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। Humayun's tomb, दिल्ली इज द फर्स्ट ऑफ द ग्रैंड डायनास्टिक मॉज़ोलियम्स दैट वेयर टू बिकम सिनोनिम्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद आर्किटेक्चुरल स्टाइल रीचिंग इट्स ज़ेनिथ 80 इयर्स लेटर एट द लेटर ताजमहल। इट इज वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, ताजमहल क्या है? वह एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ Humayun's tomb जो है वो भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में की गिनती में शुमार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर। Simlipal नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट? Simlipal नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? गुजरात, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? चलिए जवाब दिया जाए आपको इस सवाल का, तो ये रहा है सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। Simlipal नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि ओडिशा में है। ये लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर जो है कवर करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर, दैट इज मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये मानस नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? भाई इस सवाल का जवाब बताना है आपको जो कि आपके सामने आने वाला है। आप में से जिन लोगों को इसके पीडीएफ की आवश्यकता हो वो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पिंग कर देना, आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आप लोगों को पता ही होगा कि आप मेरा चैनल क्या है, टेलीग्राम पे जीए विद साहिल सर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, सर्च करिएगा जीए विद साहिल सर, वो डायरेक्टली मिल जाएगा मेरा नाम आपको। अदरवाइज किसी भी अन्य सोशल मीडिया साइट पर सर्च कर सकते हैं साहिल राज श्रीवास्तव, SHILRAJSRIVSTAV। और अगर आप अनअकैडमी सर्च कर रहे हैं मुझे, यस यू कुड सर्च देयर मी ऑन अनअकैडमी एट द रेट साहिल राज श्रीवास्तव, दैट इज SHILRAJSRIVSTAVA। अगला सवाल देख ले भाई, मानस नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो जवाब दिया जाए आपको इस सवाल का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, असम इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया मोनाली साहब आपने, और भाई बाकी लोगों ने जवाब दिया है। चलिए देख लेते इस सवाल का जवाब कि मानस नेशनल पार्क जो है या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक नेशनल पार्क है और यूनेस्को का नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि असम इंडिया में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, मोधेरा सन टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मोधेरा सन टेंपल किस स्टेट में लोकेटेड है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश? भाई क्या है जवाब इस सवाल का? मोधेरा सन टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? जवाब इसका बताना है, ये रहा इस सवाल का सही जवाब, गुजरात इज द करेक्ट आंसर।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 26 अगस्त 2020 को शेयर किया था मेस्मराइजिंग विजुअल्स ऑफ द आइकॉनिक सन टेंपल गुजरात मोधेरा। लिंकिंग टू ट्विटर मोदी पोस्टेड द वीडियो फॉर द स्प्लेंडेड व्यू डेडिकेटेड टू द सोलर डेटी सौर्य लोकेटेड इन द मोधेरा विलेज ऑफ मेहसाना। द टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पावटी। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा कि डल लेक इज लोकेटेड विच स्टेट और इवन टेरिटरी। जायसवाल सुमित, हाँ जी सर बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने। पायल श्रीवास्तव कह रही गुजरात। भाई डल लेक इज लोकेटेड विच स्टेट और इवन टेरिटरी? गुजरात में डल लेक। क्या पायल गुजरात में डल लेक है? कब शिफ्ट हुआ जी? हाँ जी पायल कब शिफ्ट हुआ ये डल लेक गुजरात? आपने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा गलती से, वो थोड़ा लेट आया यहां पे, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई आपने डल लेक वाला क्वेश्चन का आंसर गुजरात दिया है। ठीक है, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों को पता ही होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो, है ना। चलिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, बिल्कुल सही जवाब दिया पायल ने। दैट इज व्हाट जम्मू एंड कश्मीर। विद एन एम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ क्लीनिंग ऑफ डल लेक द जम्मू एंड कश्मीर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी LAWDA हैज प्रोक्योर्ड न्यू हाईटेक मशीन्स थ्रू द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC। द इंडिजिनस मशीन्स हैव बीन प्रोक्योर्ड ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। Equipments worth around rupees 4 crore include a high capacity de-weeding machine to extract and remove up to 500 tons of lily weeds daily. चलिए अगला सवाल देख ले जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट? जो पिन वैली नेशनल पार्क है किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन सर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब, जल्दी से बताइए, कोई भी व्यक्ति बताए जल्दी से जवाब इस सवाल का। चलिए ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके स्क्रीन पर। दैट इज व्हाट हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड नेशनल पार्क ऑफ इज नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX लोकेटेड? IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? ठीक है, मैं देख लेता हूं कितने स्लाइड्स और बचे अपने पास। अभी तो आधे ही स्लाइड्स कंप्लीट हुए हैं जी, अभी तो बहुत सारे स्लाइड्स बचे अपने पास। चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और 10 मिनट करते हैं, फिर बाकी के बचे जो क्वेश्चंस हैं उनको अगले दिन डिस्कस करेंगे, यानी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX लोकेटेड? ऑप्शन सर हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची या पटना। हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची या पटना, इनमें सही जवाब क्या है बता दीजिए जल्दी से मुझे। हाँ जी चलिए, जवाब दे इस सवाल का। तो ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर। दैट इज व्हाट न्यू दिल्ली, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, है ना। बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आज, लगभग 3 घंटे होने जा रहे हैं, 3 घंटे जैसे ही पूरे हो जाएंगे फिर हम आज का सेशन इधर ही एंड करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड और अगले सेशन में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है,
क्या आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या करें, आज ही कंटिन्यू कर ले पूरा पूरा सेशन या फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में? अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट द हेडक्वार्टर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किस सिटी में लोकेटेड है? बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर या सूरत? बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर या सूरत? जल्दी से बताइएगा। पायल करिए जोधपुर। ओके पायल, क्या करें, आज के लिए सेशन इधर ही कंप्लीट करें, इधर ही छोड़ दें दो तीन क्वेश्चन के बाद, या फिर कंटिन्यू कर ले पूरे दो तीन घंटे और? सवाल का जवाब देख लिया जाए जो कि आपके स्क्रीन पर, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। यस, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड एट बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है हेडक्वार्टर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर, सिलेरू रिवर ओरिजिनेट्स इन व्हिच स्टेट? सिलेरू रिवर किस स्टेट में ओरिजिनेट करती है? सिलेरू रिवर किस स्टेट में ओरिजिनेट करती है? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या गुजरात? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या गुजरात? जवाब बताना है आपको इस सवाल का, जल्दी से बताइएगा, फिर चलेंगे आगे और देखेंगे अगला सवाल। चलिए जवाब देख लें, ये जवाब, दैट इज आंध्र प्रदेश। अ रेयर फिश कॉल्ड मशीर, साइंटिफिक नेम टॉर, वाज साइटेड एंड फिश्ड आउट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ सिलेरू डिस्ट्रिक्ट रिवर बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आंध्र यूनिवर्सिटी ऑन मंडे। दिस फिश इज लोकेटेड लिस्टेड अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मशीर एज commonly called is normally found in the Himalayan region and the rivers running through the cooler climes of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Nepal and Bhutan, but it is rare to find it in this part of the country as per the Professor D. Babu, whose team spotted the fish. Sileru River is a tributary of Sabri River. It originates in Andhra Pradesh and also flows through Odisha before merging with Sabri. ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने, भाषण चार इज द आइलैंड लोकेटेड इन विच कंट्री? भाषण चार ये जो आइलैंड है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव या मॉरिशस? हाँ जी, जवाब बताइए सवाल का। क्या है इस सवाल का सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यह रहा इस सवाल का सही जवाब स्क्रीन पर, दैट इज व्हाट, बांग्लादेश। द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिगिन द रिलोकेशन ऑफ रोहिंग्यास टू द न्यूली बिल्ट फैसिलिटी एट भाषण चार आइलैंड आफ्टर द मॉनसून सीजन। द मूव इज एम्ड एट गिविंग द रिफ्यूजी कम्युनिटी फ्रॉम म्यांमार अ
अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग बसंत चार ऑल्सो नोन एज चारपिया इज एन आइलैंड इन सैंडवीप उपजिला बांग्लादेश संद्वीप उपजिला बांग्लादेश ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब देख लिया हमने, अगला सवाल देख लेते हैं जो कि ये रहा काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड विच स्टेट, की काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक पंजाब या छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया सही जवाब दिया आपने बांग्लादेश, कोई बात नहीं आगे चलते अगले सवाल देख लीजिए। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां लोकेटेड है कौन से स्टेट में। यस शुड आई कंटिन्यू द सेशन राइट नाउ या फिर सेशन को इधर ही एंड करें जल्दी से बताइए एक बार मेरे को। यस प्लीज लेट मी नो कि सेशन को यहीं पे इधर एंड किया जाए या फिर आगे चला जाए आगे बढ़ाया जाए सेशन को अभी। आज के सेशन को इधर ही एंड किया जाए या फिर आगे लेकर चला जाए और आगे अभी और दो तीन घंटे कवर कर लिया जाए क्या आप कहते हैं जल्दी से बताइए एक बार। चलिए जवाब देख लेते हैं इस सवाल का जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने दैट इज व्हाट कर्नाटक द काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इट इज ऑपरेटेड बाय स्टेट रन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। चलिए आज का डोज कंप्लीट है। चलिए बिल्कुल ठीक है फिर। यस यू ऑल कुड फॉलो मी on the telegram channel as well as you could also reach me there। सेशन को इधर ही एंड करते हैं। यस आप सभी लोगों को जो है लिए चलते हैं भाई यहां पर अपने अंतिम स्लाइड पर। अगर आपका कोई सवाल हो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं मुझे। अगर कुछ पूछना हो अगर कुछ जानना हो अगर कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो यस यू कुड आस्क मी राइट नाउ। अदरवाइज आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है आप चाहें तो वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं बता सकते हैं हमें क्या डाउट्स है क्या क्वेरीज है आपका सजेशंस हमेशा हमारे लिए मान्य है। आप बताइए हमें कहां अगर कुछ चीजें चेंज करने की आवश्यकता है अगर आपको चीजें पसंद नहीं आ रही है या फिर कुछ अच्छा चाहिए और तो यस यू को डिमांड इट राइट नाउ। और साथ ही साथ आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है आप वहां भी आप हमें बातें कर सकते हैं हमारे साथ बता सकते हैं हमें अपना एक्सपीरियंस। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे तीन घंटे तक के लिए। और अब चलते हैं आज का सेशन एंड करते हैं कल फिर मुलाकात होगी आपसे कल या परसों मतलब दो एक दिन में वापस मुलाकात होगी आपसे और अगले सेशन में डिस्कस करेंगे आगे की बातें। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना उनके लिए आप इसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर वहां पर स्पेशल क्लासेस में आपको ये सारी चीजें शेयर कर दी जाएंगी। आशा है आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी फॉर लास्ट 3 आवर्स। और ये सेशन पसंद आया तो कमेंट में बताइए और दोस्तों शेयर भी करिए उन्हें भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा। और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के यहाँ पे जो आपके साथ हैं जुड़े हुए साथ ही साथ NPCIL मेरा कोड है रेफरल कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन और साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ वॉचिंग द स्पेशल क्लासेस। वेरी वेरी थैंक यू फॉर बीइंग विद मी लास्ट 3 आवर्स एंड यस विल मीट अगेन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। टिल देन स्टे सेफ टेक केयर।
जस्ट अ मिनट, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर लास्ट 3 आवर्स एंड यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वापस से मुलाकात होगी आपके साथ अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।